मेरे को क्यों नहीं दिख रही? प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ. ओके, मेरा माइक कनेक्टेड ही नहीं है, दैट्स व्हाई ये हैपनिंग इन दिस द हाउस. ओके, सो वेलकम टू द स्ट्रीम एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं. आवाज नहीं आ रहा है मेरा ये कनेक्ट. हेलो, वेलकम टू द से. सो वेलकम टू द स्ट्रीम. हेडफोन का माइक यूज़ करना पड़ेगा, मेरा जो कि ये माइक यूज़ नहीं होने वाला है. सो आज हेडफोन का माइक यूज़ करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जो कि एक माई आवाज़ आपको डिफरेंट आएगा आज के दिन पे. तो वेलकम टू द स्ट्रीम एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस बी आई हंट में. तो साउंड इज़ नॉट वर्किंग. येस आई नो साउंड इज़ नॉट वर्किंग, बट ये ऐसा चालू होने वाला है थोड़े समय के अंदर, तो साउंड आपको आ जाएगा. तो डोंट वरी अबाउट द थिंग, आपको साउंड तो आ ही जाएगा, कोई मसला नहीं है. मैं हूँ आपका कास्टर स्मार्ट वुल्फ और हमारे साथ में क्रेजी यहाँ पर आई हुई है. और यार हमारे दोस्त लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छा अच्छा मजाक करते हैं. पाटिल भाऊ इंटरनेशनल वाले कास्टर स्मार्ट वुल्फ से अच्छी कास्टिंग नहीं कर सकते. भाई 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 तुम तो यार पूरे कास्ट स्मार्ट वुल्फ को यहाँ पर नीचे गिराना चाहते हो यार, मत करो यार. ठीक है चलो. सो हमारे साथ में क्रेजी है यहाँ पर, तो क्रेजी आपकी बारी. ओके, तो यहाँ पर अब ग्रुप बी का मैच स्टार्ट होते हुए, कल जैसा कि अपन ने देखा वुल्फी, ग्रुप ए के मैचेस क्वार्टर फाइनल के कंप्लीट हो गए थे, रिजल्ट आ गया, टॉप 12 टीम सेलेक्ट हो गई, मूव करेंगी सेमीफाइनल्स के लिए. क्या लगता है आज कौन कौन सी टीम सेमीफाइनल्स में के लिए मूव कर सकती है? यस, लाइक देखते हैं अभी टीम की तरफ से कैसी चलती है, बिकॉज क्वार्टर फाइनल्स में कैसे ना कैसे क्वालिफाई करके पहुंचे हैं. तो क्वालिफायर्स जो यहाँ पर ये मैच चलेगा, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगेगा. सारी की सारी टीम्स यहाँ पर काफी बढ़िया टीम्स है, तो आप देख सकते हो आपके सामने टीम्स है. एबीए की स्क्वाड है, ZX है, हाइप है, डेडेक्स है, FTD है, FFK है, INF है, क्लाइरो है, साथ में TNS, एस टीम UD के साथ में NRX, लोको लियो टीम 98K रॉयल, फिर बर्ड्स, फिर BI, ओ BI की स्क्वाड भी है, I97N है और TM है, और आर्थर चीचा हमारे जो कि रूम मेकर यहाँ पर आए हुए. तो ये सारी टीम्स के तरफ से अभी देखते हैं ड्रॉपिंग कैसे करती है, बिकॉज थोड़ा सा एक ट्रस्ट रख सकते हैं क्लाइरो के स्क्वाड के ऊपर, फिर हमारे डेडेक्सी स्क्वाड के ऊपर, इवन हाइप भी है. तो ये एक अच्छी खासी यहाँ पर उनके तरफ से फाइट एंगेज होती हुई नजर आ सकती है. यस यस, हाइप, डेटेक्स, BI ऐसी टीम्स है जो कहीं ना कहीं मुझे याद है नॉकआउट राउंड्स में टॉप 3 मेंटेन किया था इन लोगों ने. तो अब यहाँ पर मैच हो चुका है स्टार्ट. बात करें फ्लाइट पाथ की, तो ये फ्लाइट पाथ कुछ मिल्टा से जाते हुए दिखाई दे रहा है, जॉर्जोपल बैक सिटी की तरफ, कहीं ना कहीं मिड एरिया से ही जा रहा है. हॉट ड्रॉप्स की बात करें तो पोचिन की में टीम्स देखी जाएंगी, मिल्टा में दो टीम्स देखी जा सकती है, रोजोक कहीं ना कहीं दो टीम्स डेफिनेटली देखी जाएंगी, स्कूल थोड़ा सा हॉट ड्रॉप वो भी देखा जा सकता है. बाकी कंटेनर्स की तरफ देखते हैं कौन सी टीम मूव करती है. यस, सो फ्लाइट पाथ के हिसाब से आप देख सकते हो काफी बढ़िया एरियाज के तरफ से फ्लाइट पाथ जाती हुई नजर आ रही है. बट या क्लोजिंग की बात करें तो मिलिट्री बेस है, स्कूल है, रोजोक है, पोचिंग है, रुइंस है, जॉर्जोपुल है, तो ये सारे एरियाज कहीं ना कहीं एक हॉट ड्रॉप बन सकते हैं. इवन सेवर्नी है, शूटिंग रेंज है, यसना की तरफ है, मिशन के तरफ भी जा सकते हैं. तो ये सारे एरियाज कहीं ना कहीं काफी अच्छे बन सकते हैं, और जो भी टीम यहाँ पर क्लोजिंग करेगी तो ये फाइट अर्ली फाइट आपको देखने मिल सकती है, एंगेज हो सकती है. मेरे हिसाब से अर्ली फाइट पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, जितना हो सकेगा उतना सेफ खेलने में कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए. I9 की स्क्वाड की बात करें तो I9 के हमारे मिल्टा पावर की तरफ अपना प्लेस बना के रखी है. मिल्टा की तरफ जाकर देखा जाए तो टीम UD के हमारे स्क्वाड यहाँ पर आई हुई है. प्रीजन के तरफ आप देख सकते हो जो कि NRX अभी है, पॉट्स इंटेन इंटेंस यहाँ पर दिखाई देते हो नजर आ रहे हो, INF के हमारे आनु OP भी कहीं ना कहीं मिशन के तरफ जाना चाहते हैं. तो ये एक चीज है, काफी सेफ पोजीशन पे तो सारी की सारी स्क्वाड है, पर जॉर्जोपुल के तरफ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक फाइट एंगेज्ड होती हुई नजर आने वाली है स्टार्टिंग पे.
यस यस जॉर्जो पोल साइड तीन चार टीम्स मुझे दिखाई दे रही है, लाइक टीएम की स्क्वाड दिख रही है और यहाँ पर बाकी की तरफ देखे ओके फर्स्ट ब्लड यहाँ पर निकाल लिया गया है एनएक्सआर के गॉड ओपी की तरफ से, यूएमपी से आया फटका और बोर्ड्स के प्लेयर को कर दिया है डाउन। तो कैसे यहाँ पर सिचुएशन संभालती है टीम बोर्ड्स, बोर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर इनकी टीम से इंटेंस आइकोनिक प्लेयर्स खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार ड्रोन व्यू से देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। ओके तो कहीं ना कहीं बोर्ड्स थोड़ा सा दिक्कत में मुझे फंसती हुई दिखाई दे रही है। मेन बिल्डिंग की साइड NXR दिख रही है, कैसे सिचुएशन संभालती है NXR ये देखना है। बॉट्स की तरफ से एक सर्वाइव तो मिल जाएगा, एक जो कि बैकअप प्रोवाइड किया गया है बॉट्स को। यहाँ पर लूट कैसी मिली है मेन चीज वो है, बिकॉज वेयर हाउस पे आप देख सकते हो यहाँ पर लूटे हुए नजर आ रहे हैं बैरल, यहाँ पर स्कारल चला रहे हैं और सामने की ओर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शॉट्स आते हुए नजर आ रहे थे। बट या बॉट्स के हमारे टॉक्सिक के ऊपर एक स्लैमिंग आ चुकी है और कहीं ना कहीं टॉक्सिक एक जो कि बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए है उनके ऊपर आने वाला है रश। वन वॉसेस का सामना करना मेरे हिसाब से काफी डिफिकल्टीज यहाँ पर देखने को मिल सकती है और बैक स्टेप एरियाज पे आप इजी जा सकते हो, एक अच्छी खासी होल्डिंग आप दिखा सकते हो और यहाँ पर रश किया गया है स्लैमिंग के साथ में टॉक्सिक डाउन टू अर्थ। और बॉट्स की टीम की तरफ से एक प्लेयर गेम से बाहर निकल चुके जो कि टॉक्सिक है, बाकी तीन प्लेयर्स की तरफ से अभी कैसी सिचुएशन बनती है और कैसी फाइट एंगेज होती है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर देखने मिल सकता है। यस यस यहाँ पर थ्री मैन स्क्वाड अब बॉट्स की स्क्वाड मुझे दिखाई दे रही है और अर्ली फाइट में यहाँ पर मतलब उतरते ही इन लोगों के बीच में फाइट लग गई तो कहीं ना कहीं लूट की भी कमी मुझे दिखाई दे रही है। लाइक M16 प्लेयर्स के पास है तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा दिक्कत यहाँ पर बोर्ड को सामना करना पड़ सकता है। बॉट्स की स्क्वाड के ऑलरेडी तीनों के तीनों प्लेयर्स एक दूसरे के साथ में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, NXR की स्क्वाड भी देख सकते हो जो कि एक होल्ड है एरियाज पे और दूसरी ओर देखे तो मेरे हिसाब से जॉर्जो पुल के तरफ फाइट एंगेज होने वाली है। बट लोको और टीम 98 के बीच में भी कहीं ना कहीं एक क्लोजिंग हो रही है तो देखा जाए तो प्रिजन के मिल्टा के ऊपर वाले एरियाज पे फाइट एंगेज हो सकती है, दूसरी ओर देखा जाए तो हमारे जॉर्जो पुल के बैक साइड एरियाज पे भी जॉर्जो पुल सिटी के बैक साइड एरियाज पे भी फाइट एंगेज होती हुई नजर आ रही है। टीएम की स्क्वाड हाइप की स्क्वाड एक दूसरे के साथ में फाइट एंगेज करने की कोशिश और दोनों के बीच में अगर देखते हैं जंग भिड़ जाती है तो कौन जिएगा कौन वाइपर होगा ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहकर देखने को मिल सकता है। यस फिलहाल टीएम के स्क्वाड की बात करें तो उनकी तरफ से एक नेड आया था और अल्फा को नॉक के साथ पूरा फिनिश आउट यहां पर कर दिया है। हाइप ने भी अपने प्लेयर को खो दिया है तो थोड़ा सा अब केयरफुली उनको खेलना पड़ेगा अगर टीम टीएम को यहां पर वाइप आउट करना है। तो फिलहाल तीन टीम्स आई गेस मुझे दिखाई दे रही है जॉर्जो पोल बैक सिटी की साइड, तो यहाँ पर कैसी सिचुएशन बनती है ये देखने वाली बात रहने वाली है। पीछे की तरफ बात करें तो क्लायरो की स्क्वाड भी यहाँ पर है एंड यहाँ पर शायद से यस यस के थ्रू निकाला गया है नॉक, तो अब कैसी यहाँ पर स्ट्रेटजी बनती हुई दिखाई दे रही है। नेड करने की कोशिश मेरी उनके तरफ से नेड डाला गया है काफी बढ़िया तरीके से और नेड के साथ में यहाँ पर यश को डाउन करा गया है। बट देखा जाए तो टीम के तरफ से रश करने की कोशिश करी जा रही है, मौके का फायदा जरूर से उठाना चाहेगी हाइप की स्क्वाड के। ऑलरेडी यश यहाँ पर डाउन टू अर्थ है, यहाँ पर रिवाइव करने की कोशिश सर्वाइव करना पड़ेगा, स्क्वाड ने करी है रश, गन स्विच करते हुए नजर आ रहे हैं पूरी की पूरी स्क्वाड को, यहां पर चार किल कंफर्मेशन लेके हुए गेम से बाहर कर दिया गया है। टीएम की स्क्वाड चार किल कंफर्मेशन ले चुके हैं पर उनके तरफ से एक भी प्लेयर यहां पर नॉकडाउन फिनिश आउट नहीं हुए है, ये चीज का एक अच्छी तरीके से उन्होंने ख्याल रखा है। दूसरी ओर देखा जाए तो क्लायरो की स्क्वाड के दो मेंबर्स मुझे यहां पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, एक निंजा है और दूसरे गायरो गॉड है, तो ये फाइट है एंगेज होती है या नहीं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे हमको देखने मिल सकता है। बिकॉज टू मैन स्क्वाड है और टू मैन स्क्वाड यहां पर ये वाले एरियाज पे टू मैन स्क्वाड खेला मेरे हिसाब से काफी प्रॉब्लमेटिक सामना हो सकता है, जो कि निंजा अकेला है और गायरो गॉड प्लैंक पोजीशन पे है तो ये चीज मुझे लगता है कि फाइट एंगेज करने पे जाओगे तो कहीं ना कहीं गेम से बाहर भी जाना पड़ सकता है आपको। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है क्लायरो जो स्क्वाड है जो डुओ एक है वो नहीं चाहेगी यहाँ पर फाइट एंगेज करना, थोड़ा होल्डिंग पोजीशन में मुझे दिखाई दे रही है और जायरो गॉड है वो शायद से व्हीकल लेने गए थे अपने प्लेयर के लिए तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर फाइट ली जाएगी, थोड़ा सा होल्ड किया जाएगा या फिर सेफली मूव किया जाएगा जोन की तरफ। और बाकी के प्लेयर्स की बात करें तो बाकी के प्लेयर्स थोड़ा सा स्प्लिट मुझे इनसे दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा बैक में और यहाँ पर जोन कट चुका है जो कि कटा है पूरा बॉटम एरिया साइड मतलब मिड के एरियाज हैं सब कवर हो रहे हैं नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में बोलूँगी। सो जिसके अंदर पोचिन की गट का फेरीपियर जैसे कंपाउंड्स के अंदर आ रहे हैं काफ़ी सारी स्पॉट जोन के एरियाज पे दिख रही है। मिड एरियाज पे बात करें तो
के पास में काफी अच्छा एक एरिया से जोन का मिडल है, बाकी तो पूरा क्लियर है, पोचिंग की पूरा क्लियर है, ये जो पार्ट है पूरा का पूरा एरिया क्लियर है। और एज यूजुअल मैं सबको बताता हूँ, शूटिंग रेंज का जो ये एरियाज होता है ज्यादातर आपको क्लियर देखने मिलेगा, बिकॉज वहां पे ज्यादातर फाइट एंगेज नहीं होती और ज्यादातर टीम्स यहाँ पर जो के फाइट पे ज्यादा फोकस नहीं करती। दूसरी ओर देखे तो लोको और टीम 98 के बीच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है, बट फाइट एंगेज होती है या नहीं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर देखने को मिल सकता है गाड़ी के रोटेशन के साथ में। दूसरी ओर देखा जाए तो केतन परफेक्ट यहाँ पर देखा जाए तो ये केतन प्रेट यहाँ पर निकल चुके हैं। प्रीत इज लाइक रोटेशन के साथ में फॉरवर्ड जाएंगे, व्हीकल चेंज करेंगे, बट बॉट की स्क्वाड के सारे मेंबर्स रोटेशन पे फोकस करेंगे। इंटेंस को यहाँ पर एक अच्छा डैमेज प्रोवाइड किया गया है, बट इंटेंस की हेल्थ यहाँ पर कहीं ना कहीं 60% बची हुई है। Yes, पीछे से आ रहा है, व्हीकल के साथ शॉट दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत टीम बॉट के लिए होने वाली है। गाड़ी ऑलमोस्ट फूटने की कगार पे, डेफिनेटली रोका जाएगा व्हीकल को और फाइट यहाँ पर ली जाएगी, क्योंकि अब यहाँ से बचना तो एक कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, क्योंकि एक गलत डिसीजन और बोट यहाँ पर फिनिश आउट होने की कगार पे और इंटेंस को कर दिया है डाउन लकी के थ्रू, तो थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर बोट की स्कोर पे आते हुए। दूसरे प्लेयर को भी कर दिया गया है डाउन, दो प्लेयर यहाँ पर वैग वाइट को भी कर दिया है डाउन, तो अब सारा का सारा सिचुएशन आ चुका है केतन पर, कैसे यहाँ पर सिचुएशन संभालते हैं। आगे पूरी की पूरी स्क्वाड है, अकेला प्लेयर अकेले ना आगे जाया करो, पीटी वन जाएगी, अगर अकेले आगे फॉरवर्ड खेलने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं वाइपआउट के साथ जाना पड़ेगा। इवन अच्छा खासा डैमेज प्रोवाइड किया 40% की हेल्थ के साथ में, गाड़ी का रोटेशन यहां पर वेस्ट भी लेवल 1 का है, तो कहीं ना कहीं एक परफेक्शन वाली शॉट यहां पर कनेक्ट हो जाती है, तो केतन हमारे गेम से बाहर चले जाते थे और केतन जाते थे तो पूरी की पूरी स्क्वाड गेम से बाहर चली जाती थी और 20th पोजिशन पे हमारी जो कि बॉट्स की टीम आपको देखने मिलती थी। और दूसरी ओर देखे तो यहां पर वाइपआउट तो हो चुका है, जोन भी श्रिंकिंग पे आने वाला है, थोड़ा सा समय है, फोर्थ वाला जोन क्लोजिंग पे आने वाला है, तो इट विल टेक सम टाइम, जो कि जोन श्रिंकिंग को भी यहाँ पर कम से कम 2-3 मिनट तो यहाँ पर लगते ही है, बट फिर भी यहाँ पर आपको कौन सी स्क्वाड देखनी है, कौन सी फाइट देखनी है और कौन सी टीम देखना चाहोगे यहाँ पर। फिलहाल फार्म साइड बात करें तो मुझे दो दो टीम दिख रही है, लोगों के पास में एक टीम यूडी दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों टीम्स के बीच में फाइट एंगेज होने वाली है। एक बार देखते हैं कि क्या यहाँ पर सिचुएशन है। ओके, यूडी की स्क्वाड थोड़ा सा स्काउटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सैनिटाइजर शायद से अपनी टीम से काफ़ी ज़्यादा मुझे स्प्लिट दिखाई दे रहे हैं। बाकी के प्लेयर्स इनके फार्म साइड डेफिनेटली हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों के टीम के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। यस, देखते हैं दोनों के बीच में लाइक डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो कि क्लोज रेंज के हिसाब से देखा जाए, क्लोज मैप के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी लंबा यहाँ पर डायरेक्शन इनके बीच में दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं फाइट एंगेज पे ज़्यादा फोकस नहीं करेगी, लोगों की स्क्वाड है यहाँ पर, लोगों की स्क्वाड ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया टीम्स में से जानी जाती है। ड्रॉप आ चुका है, ड्रॉप के अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है, थोड़ा सा ड्रॉप के अंदर थोड़ी नजर डालते हैं। फर्स्ट एड ड्रॉप है AWM के साथ में, ईडी का स्कोप, बस ऐसी लूट मिल जाए तो और क्या चाहिए, गिली सूट है, लेवल 3 का सामान है, गिली वाला सूट है, अच्छी खासी लूट है, तो जिसको भी मिलेगा अच्छा खासा एडवांटेज पाएगा, बिकॉज जो भी स्नाइपर प्लेयर है उनको एक बढ़िया सा मौका मिल जाता है स्नाइपिंग करने के लिए। लेट्स सी, देखते हैं उनकी स्नाइपिंग कितनी यहां पर मजेदार चलती है। और NXR की स्क्वाड की भी बात करें तो उनके तरफ से ओमकार है, गॉड ओपी है, माफिया है और अभी भी है, तो लेट्स सी, देखते हैं इनके तरफ से क्या ही मोमेंट क्रिएट होती है और कैसी फाइट एंगेज होती है, क्या ये फाइट लेना चाहेंगे या नहीं, बिकॉज देखा जाए तो मोशन नागिन के साथ में यहां पर एक विजन लेने की चाहत है कि कहीं ना कहीं से एक परफेक्ट वाली विजन मिल जाए तो डेफिनेटली यहां पर रिवील हो सकते हैं प्लेयर्स और साथ में शॉट भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से शॉट कनेक्ट करना इट वाज लाइक एक गलत डिसीजन यहां पे उनकी तरफ से हो सकता है। यस यस, शॉट कनेक्ट करने की चाहत तो है इनकी, मोसेन जरूर चला रहे लेकिन उनके पास स्कोप नहीं है, नो स्कोप मोसेन, तो कहीं ना कहीं शॉट्स तो नहीं कनेक्ट होंगे। बाकी स्टिल स्काउटिंग करते हुए धीरे धीरे क्लोजिंग किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे दो टीम्स हैं, उनमें से किसी एक टीम से तो डेफिनेटली इनकी फाइट लग सकती है। नेमसिस ये देखा जाए तो ड्रॉप पे जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनके पास में थोड़ी सी लूट की हम लोग नजर करते हैं और गाड़ी के रोटेशन के साथ में चलते हुए नजर आ रहे हैं। 7NA की स्क्वाड की बात करें तो हवेली है, स्लेयर है, रोहित है और ये हमारे हिम्स है। गाड़ी का रोटेशन, लेट्स सी, देखते हैं कहां पे जाते हैं, फाइट एंगेज करना चाहते हैं या फिर ड्रॉप लूटना चाहते हैं। इनके तरफ से मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ड्रॉप लूट रहे कि फिर गाड़ी के साथ में रोटेशन कर रहा है, आई थिंक सो ड्रॉप लूटेड है। रोहित के पास में आप देख सकते हो जो कि यहां पर गिली सूट दिखाई दे रही है, ऊपर से यहां पर AWM भी दिखाई देती हुई नजर आ रही है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक अच्छी जो कि फाइट लेना चाहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो AWM डेफिनेटली एक अच्छा सा साथ निभाएगा आपके साथ में, बट क्लोज रेंज फाइट में यहां पर स्नाइपर ज्यादातर प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज स्विच करते करते ही आपका वाइपआउट भी हो सकता है मेरे हिसाब से।
यस रीलोड लगती है, तो वहां पर बोल्ट एक्शन अगर अपने पास दूसरी या फिर डिया मारे तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली सिचुएशन हो ही जाती है। वहीं पर एक बार बात करें जॉर्जल बैक सिटी की, तो क्लायरो स्टिल सेम पोजीशन पे दिखाई दे रही है, टीएम है, अभी भी उन लोगों के बीच में फाइट एंगेज नहीं हुई है। क्लायरो थोड़ी सी पैसिव खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब शायद से रोटेशन जब निकाला जाएगा तो क्या यहाँ पर इनकी फाइट एंगेज होगी? फाइट एंगेज की बात करें तो मेरे हिसाब से क्लायरो ज्यादातर प्रेफर नहीं करेगी, ज्यादातर फाइट एंगेज पे फोकस नहीं करना चाहती है। निंजा गायरो गॉड और बादशाह के साथ में हमारे फायर इज लाइक एक अच्छा डैमेज यहाँ पर गेन करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी जोन के बाहर के एरियाज पे है, तो जोन के अंदर जाना मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक प्रिफरेबल चीज यहाँ पर नहीं बनेगी। जोन के बाहर रहना इट्स लाइक एक गड़बड़ हो जाती है, जोन के अंदर आप रहोगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छी मौके का फायदा उठा सकते हो, चिकन निकालने के चांसेस भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर दूसरा ड्रॉप आ चुका है तो जोन यहाँ पर एस की स्क्वाड के पास में कहीं ना कहीं बन सकता है, बट लेट्स होप के वहां पर बन जाए। ड्रॉप के अंदर देखा जाए तो ड्रॉप के अंदर आप देख सकते हो एडब्ल्यूएम के साथ में एडी का स्कोप है, लेवल 3 का सामान है और पेन किलर है, लूट सेम है, सिर्फ यहाँ पर पेन किलर दिया गया है बैक के रिप्लेसमेंट पे और गिली सूट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करी है, तो जोन वहां पे ही बना है। एस की स्क्वाड को जोन का मेडल और पोचिंग की वाला एरिया जोन का मेडल, इवन डेडेस की स्क्वाड भी जोन के मेडल पे है। यस डेटेक्स को अगेन जोन का यहाँ पर एडवांटेज मिल चुका है। वहीं पर केतन स्टिल सरवाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने टीम के लिए, वाटर एरिया साइड से जा रहे हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि आगे स्टिल टीम 98 के है जिनसे ये लोग ही फिनिश आउट हुए थे और अभी तक इनसे बचते बचाते ये लोग फिर से इनके क्लोज आ चुके हैं। तो क्या लगता है केतन यहाँ पर टीम 98 के से स्पॉट आउट होकर पिक ऑफ हो सकते हैं? मेरे हिसाब से ये एक जो कि गड़बड़ होने वाली है इनके तरफ से, बढ़िया उनको अभी तक पता नहीं है कि केतन का तरफ से केतन की तरफ से एक अच्छी वाली रोटेशन देखने मिल रही है, बट केतन को जो ये रोटेशन है वो ऊपर चढ़ने में क्या यहाँ पर सक्षम रहेंगे? मेरे हिसाब से तो ये जो एरियाज है वहां से ऊपर चढ़ना मेरे जो कि काफी मुश्किल है। पीछे की एरिया से कहीं ना कहीं ऊपर चढ़ने की कोशिश करें तो ऊपर चढ़ सकते हैं, वरना पूरा का पूरा गेम वहां पर ही अटक जाएंगे। थोड़ी सी लंबी रोटेशन करनी पड़ेगी, जो ये फार्म के तरफ का एरियाज है वहां से केतन अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे और अपने आप को बचा पाएंगे, वो एक चांस केतन ले सकते हैं। बट ब्रीच कैंप के एरियाज पे भी कहीं ना कहीं टीएनएस की स्क्वाड है, एफटीडी की स्क्वाड है और कहीं ना कहीं 98 के की टीम के बीच में देखा जाए तो युद्ध शुरू होने वाली है। यस यहाँ पर व्हीकल का रोटेशन जा रहा है, बट मुझे नहीं लगता टीएनएस की फाइट एंगेज होगी, इजीली रोटेशन यहाँ पर निकाल लिया जाएगा। वहीं पर बात करें अगर ZX की स्क्वाड की, तो ZX के पास जो वो जॉर्जोपोल के बैक सिटी के जो नीचे का रिज होता है वो उन्होंने होल्ड कर लिया है, तो कहीं ना कहीं इनके झोली में बहुत प्यारे किल्स आ सकते हैं क्योंकि यहाँ से ईजी व्यू रहता है और मोस्ट ऑफ द टीम्स यहाँ पर चाहती है कि ये जो एरिया है होल्ड कर लिया जाए क्योंकि सारी टीम्स यहीं पर आकर किल्स निकालने की कोशिश करती हैं। यस ये हाई रिच वाला एरिया है एक्चुअली जॉर्जो फुल का, बट फिर भी यहाँ पर मेरे हिसाब से फाइट एंगेज होना इट वाज लाइक थोड़ा सा मुश्किल की घड़ी हो सकती है। बट या टीएम की स्क्वाड कहीं ना कहीं रोटेशन वहां से करेगी तो डेफिनेटली गेम से बाहर भी जा सकती है, बिकॉज ZX की तरफ से जो गन पावर्स है वो काफी अच्छी गन पावर्स के साथ में ZX खेलती है, बिकॉज जो स्टार्टिंग के मैचेस थे ग्रुप चल रहे थे वहां पर ZX की तरफ से हम लोग ने परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर होल्डिंग चलती है उनके तरफ से और यहाँ पर एक बार जोन मिल जाता है तो ZX स्क्वाड कहीं ना कहीं जोन का एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से फायदा उठाती है। बट यहाँ पर एयरड्रॉप आया हुआ है, फाइनली इसके अंदर MK14 तो देखने मिलेगा, तो लेट्स होप MK14 जरूर से M249 के साथ में लेवल 3 का सामान एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉप मैग, MK14 एक अच्छा डैमेज आपको प्रोवाइड करेगा और इसकी स्क्वाड को ये जो के ड्रॉप का लाभ मिलेगा। यस M249 के साथ MK14 कहीं ना बहुत ही ज्यादा एडवांटेज देगा, लाइक दोनों ही बीस्ट गन है। एंड एस की स्क्वाड से बात करें तो एस के Y19 राज B1 एंड प्रीत खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पर आज क्या कमाल दिखाती है एस की स्क्वाड। देखते हैं लाइक जोन का मिडल एरियाज तो है, फिर भी एक होप कर सकते हैं, बाकी सारी स्क्वाड अभी भी रोटेशन पे फोकस कर रही है और जोन का मिडल वाला एरियाज पकड़ना चाहती है। दूसरी ओर देखा जाए तो सेकंड वाला जोन क्लोजिंग पे होने वाला है, 9 सेकंड है हमारे पास में और बाकी सारी टीम्स के ऊपर भी थोड़ा विजन करवाते हैं। फिलहाल यहाँ पर ABA की स्क्वाड फाइट एंगेज होने वाली है, दोनों के टीम के बीच में मेरे हिसाब से फाइट होने वाली। फ्रैग को एक अच्छा डैमेज प्रोवाइड किया और फ्रैग इज लाइक चलती गाड़ी से उतरे, एक अच्छा खासा डैमेज यहाँ पर गाड़ी ने भी प्रोवाइड किया, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फाइट एंगेज होने वाली और ये फाइट एंगेज में कौन जिएगा, कौन वाइपर होगा, FFK क्या क्लोजिंग करेगी, क्या हमारे ABA की स्क्वाड यहाँ पर फाइट लेने के लिए रेडी रहेगी? ABA की तरफ से फाइट रेडी है, ABA इज लाइक तुम सिर्फ क्लोजिंग करो, हम लोग यहाँ पर रेडी है फाइट लेने के लिए। तो देखते हैं दोनों के बीच में फाइट होने वाली है नहीं होने वाली है। चलो दो रोटेशन के साथ में FFK की स्क्वाड निकल चुकी है।
एफएफके की स्क्वाड फिलहाल रोटेशन पर यहाँ पर फोकस करती हुई दिखाई दे रही है, तो मुझे नहीं लगता वन ए बी ए की जो स्क्वाड है उनसे फाइट उनकी एंगेज होगी। फिलहाल मिड एरिया या फिर कोई एक अच्छा कंपाउंड पकड़ने की तलाश में रहेगी। और रॉयल की स्क्वाड की बात करें तो जो रोजो के ऊपर का जो शेड होता है वहाँ पर होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रॉयल की स्क्वाड से बात करें तो अपना अजय, बी टी एस एंड विकी खेलते हुए दिखाई दे रहा है। Yes, रोजोका के एरियाज में दिस पीपल आर प्लेइंग विद जीरो किल्स, और जीरो किल्स कोई मसला नहीं करता बिकॉज ज्यादातर मैं किल्स पे प्रीफर नहीं करेंगे, ज्यादातर हम लोग यहाँ पे पोजिशनिंग पे प्रीफर करेंगे। 15 पॉइंट्स आपको मिलेंगे अगर चिकन डिनर निकालते हो, तो किल्स पे भी पॉइंट्स मिल जाते हैं, बट फिर भी किल्स आपको ऑटोमेटिक एंड जोन में मिल ही जाते हैं, ज्यादातर किल्स आपको एंड जोन पे मिल ही जाते हैं। जितना सेफ खेलोगे उतना एडवांटेज पाओगे, जितना फाइट पे आप कॉन्सेंट्रेट करोगे उतना ही गेम से बाहर जाने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखा जाए तो स्क्वाड सारी की सारी एक 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 एरियाज पकड़ के रखी है। जोन के बाहर की बात करें तो अभी तक एक भी टीम यहां पर जोन के बाहर दिखाई देती हुई नजर नहीं आ रहे, तो अर्ली रोटेशन सारी की सारी टीम्स की तरफ से यहां पर देखने मिल रहा है। अभी देखते हैं जो जोन के एज वाले एरियाज पे है तो वहां से कौन से एज पे जोन जाता है ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि अभी स्क्वाड को ही यहां पर थोड़ा सा मुसीबत रहेगी। ये एयरड्रॉप यहां पर कहीं ना कहीं क्लायरो के पास में आया था, तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि उसके सामने के एरियाज पे जा सकता है। और एडब्ल्यूएम फिर से यहां पर मिला हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं 98 के विनोद के पास में यहाँ पे जोन बन सकता है, पोचिंग के एरियाज पे जा सकता है या फिर रुइंस पे जा सकता है। तो ये चार ये एरियाज में कहीं ना कहीं जोन आपको देखने मिल सकता है। क्या लगता है क्रेजी, आपका क्या ख्याल है कहाँ पे जोन जाएगा? I guess if Pochin के स्कूल ईस्टर्न साइड ये जोन जा सकता है, जो जहाँ पर टीम I9 है, 98 के है, नेम से है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जोन बनने के चांसेस मेरे हिसाब से लग रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कहाँ पर ये जोन बनता है। और बात करें BIAs की, ओके टीम BI यहाँ पर अभी तक नहीं देखा था इनको, थोड़ा सा होल्ड करते हुए दिखाई दे रही है, अभी जीरो किल्स के साथ है, लेकिन देखते हैं अब यहाँ पर आगे की तरफ कैसे फाइट निकालती है टीम BI। Yes, BI के तरफ से एक होल्डिंग है जो कि BI को हम लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, और BI की स्क्वाड की तरफ से एक शानदार सी होल्डिंग यहां पर देखने को मिल रही है। जोन का मिडल वाला एरियाज तो नहीं हो सकता, और स्कूल के एरियाज में डेफिनेटली पोचिंग की स्कूल और रिजॉर्ट के एरियाज पे ये जोन हार्डशिप ले चुका है, और काफी जो कि बेहतरीन वाला हार्डशिप लिया गया है जोन के तरफ से। मजा आएगा, मेन जो फाइट की शुरुआत है वो अभी देखने को मिलने वाली, इतनी सारी स्क्वाड के तरफ से 20 टीम्स आप देख रहे हो यहां पर जो थर्ड वाला जोन है, 20 टीम्स और 77 पीपल अलाइव है, एक भी स्क्वाड मेरे हिसाब से वाइप आउट नहीं हुई है, जो कि हाइप को छोड़ के यहां पर बाकी सारी स्क्वाड अवेलेबल है। तो ये चीज काफी मजेदार होने वाली है, और फाइट भी एक बढ़िया सी एंगेज होती हुई नजर आने वाली है यहाँ पर। Yes, अगर बात करें वाटर सिटी साइड तो वाटर सिटी साइड में फाइट देखी जा सकती है। फिलहाल जो टीम लोगो की बात करें तो रोटेशन निकालते हुए जा रही है टीम, और क्लायरो भी काफी क्लोज है, तो जब रोटेशन जा रहा है जोन के अंदर जा रही है टीम, तो बहुत ज्यादा फाइट देखने मिलने वाली, क्योंकि स्टिल 20 टीम्स बची है। एंड देख सकते हो नीचे के एरियाज में भी स्क्वाड दिख रही है जो बहुत ही क्लोज से रोटेशन निकाल रही है। फिलहाल क्लायरो की बात करें तो यस, क्लायरो वर्सेस टीएम होने वाला है। क्या लगता है यहाँ पर क्लायरो निकाल पाएगी फाइट या फिर टीम टीएम? दोनों ही बहुत ही बेहतरीन टीम्स है, फाइट दिए जा रहे हैं। मार्शल कहीं ना कहीं काफी क्लोज इन कर चुके हैं अपनी टीम से, तो थोड़ा सा स्प्लिट पोजिशन में है टीम टीएम, कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है टीएम के लिए। मार्शल या पर एक काफी क्लोज्ड एक अपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए कैंप करते हुए नजर आ रहे, सिर्फ साउंड प्रोवाइड नहीं करना है, गलती से भी साउंड प्रोवाइड कर लिया तो मेरे हिसाब से मार्शल इज लाइक अच्छा कि हमारे गेम से बाहर निकल सकते हैं, बट पीछे से कहीं ना कहीं हमारे देखे एफटीटी की स्क्वाड आ चुके हैं काफी क्लोजिंग करने के लिए। बट यस, मार्शल के तरफ से मौके का इंतजार और मौके का फायदा यहां पर सीधा निंजा के ऊपर करा गया है, बट पीछे से थर्ड पार्टी के शिकार जो कि टीएम की मरियन बचे हुए, बट लोगों की स्क्वाड भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एफटीटी के ऊपर कर सकते हैं। मार्शल का तो यहाँ पर वाइप आउट कर दिया, एलिमिनेट हो चुके हैं गेम से बाहर ही, सीधा यहाँ पर उनको भेज दिया। लेट्स सी, देखते हैं टीएम के तरफ से क्या बैकअप प्रोवाइड हो पाता है। अकेला प्लेयर जो कि यहाँ पर मरियन डाउन है, नाइकी की तरफ से यहाँ पर बैकअप प्रोवाइड हो गया, क्या गॉड स्पीड यहाँ पर ट्रेड उठाने की कोशिश करेंगे, फाइट एंगेज होगी या नहीं, ये कंफ्यूजन थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर देखने मिलने वाला है। थर्ड पार्टी नहीं, यहाँ पर फोर्थ पार्टी मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। चार चार टीम एफटीडी की स्क्वाड है, लोगों की स्क्वाड है, टीएम की स्क्वाड है, और नीचे की तरफ क्लायरो, कहीं ना कहीं बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बन चुकी है। फिलहाल तो डाउन रेंज पे आ चुके हैं टीएम, तो इनके बचने के चांसेस है, रिवाइवल दे दिया जाएगा। लेकिन एफटीडी की तरफ से बैक टू बैक थ्रोएबल्स अगर आए तो टीएम के लिए दिक्कत हो सकती है। वहीं पर क्लायरो भी एक तलाश में है, एक मौके की तलाश में मुझे दिखाई दे रही है, और यहाँ पर टीएम की तरफ से भी कुछ थ्रोएबल्स फेंकने मिल रहे हैं।
देखने मिल रहा है, तो क्या लगता है यहाँ पर तीनों टीम्स में से कौन सी टीम सरवाइव करके जा सकती है? मेरे हिसाब से लाइक अभी टीएम तो दोनों के बीच में सैंडविच बनी हुई है, यहाँ से भी शॉर्ट वहां से भी शॉर्ट, जाए तो जाए कहाँ पे। तो यस टीएम को एक चीज करनी पड़ सकती है कि लाइक सीधा रोटेशन पीछे की तरफ स्लैमिंग डाल, तो ऑलरेडी नेड के साथ में राजा बीटीसी को यहाँ पर स्लैम दे दिया, राजा बीटीसी को नेड के साथ में डाउन कर दिया गया है। 3v3 का सामना यहाँ पर इजी फाइट आपको देखने मिल सकती है और सीधा रश करना है, पीछे वाली स्क्वाड को वाइप आउट करना है और दो प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया है। तीसरा यहाँ पर देखा जाए तो क्रॉक्सी ओपी इस लाइक एक अच्छी डैमेज गेन कर चुके हैं, कहीं ना कहीं गाड़ी के साथ में राजू ओपी आ चुके हैं और दो दो राजू दिखाई दे रहे हैं मुझे यहां पर। एफटीडी के भी राजू है और यहां पर ZX के भी राजू है। एफटीडी की तरफ से साइरोक्स क्रॉक्सी अकेला प्लेयर बचा हुआ है ZX स्क्वाड स्लैमिंग करने के लिए और टीएम की स्क्वाड यहां पर स्लैमिंग करने के लिए। तो ये थर्ड पार्टी नहीं है, चार चार टीम के बीच में फोर्थ पार्टी वाला गेम चल रहा है और क्लायरो को ये थर्ड पार्टी का मौका मिल सकता है और क्लायरो यहां पे कहीं ना कहीं एक अच्छी जो कि पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप आउट करके निकल सकते हैं। यस यस कहीं ना कहीं क्लारो के पास एडवांटेज रहेगा जिस हिसाब से सिचुएशन बन चुकी है और एफटीडी की स्क्वाड यहां पर पूरी की पूरी फिनिश आउट होते हुए टीएम ने जस्ट एफटीडी के साथ फाइट ली। ZX राजू की तरफ से एक नॉक दिखने मिला था एफटीडी की तरफ, लेकिन बैक नॉक जिस हिसाब से आया तो यहां पर अब एफटीडी तो पूरी की पूरी फिनिश आउट हो चुकी है। और कहीं ना कहीं बात करें तो क्लारो की, क्लारो मूव करते हुए दिखाई दे रहे, शायद से फ्लैंकिंग यहां पर करना चाह रही है क्लारो या फिर मूव करना चाह रही है। वहीं पर बात करें टीएनएस और 7NA की तो यहां पर भी फाइट एंगेज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तीन तीन टीम एक्चुअली वहां पर दिखाई दे रही है। NXR की स्क्वाड है, 7NA है, TNS है। यस यहाँ पे जोन का मिडल वाला एरिया से तो ज्यादातर फाइट पे प्रीफर नहीं करना चाहिए, एक्चुअली सेफ खेलना चाहिए। दूसरी ओर क्लायरो और एस के बीच में हो सकती है और BI की स्क्वाड ने भी कहीं ना कहीं एक स्क्वाड को वाइप आउट किया गया है। एस के तरफ से दो किल निकले हैं, ड्रैकुला यहाँ पर एक किल के साथ में खेल रहे हैं, BM के तरफ से एक किल है और जहर यहाँ पर जीरो किल के साथ में। तो पूरी एक स्क्वाड कहीं ना कहीं वाइप आउट करी है इन लोगों ने, बट फिर से फाइट एंगेज होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर हमारी देख सकते हो टीएम की स्क्वाड की। तो ये चीज मुझे लगता है कि काफी मुसीबत वाली बन सकती है टीएम के लिए। ऑलरेडी दो प्लेयर्स बचे हुए हैं और दो प्लेयर्स के साथ में अकेला गॉड स्पीड बचा हुआ है, तो गॉड स्पीड इज लाइक फर्स्ट एड अप्लाई कर चुके हैं फाइट लेने की कोशिश और यहां पर एक भी प्लेयर को डाउन नहीं कर पाए ZX यहां पर एक के नुकसान के साथ में, बट पांच किल अपने खाते में खोल चुके, अपने खाते में अपने अपने पॉकेट में डाल चुके हैं वो, लेकिन सात किल्स अपने खाते में लेकर गई टीम टीएम। काफी अच्छा खेल है, ऐसा नहीं है कि खाली हाथ लौट कर गई हो, नहीं किल्स लेकर गई है, अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर सभी टीम की तरफ से देखने मिली। और यहाँ बात करें लोगों की तो लोगों कहीं ना कहीं सैंडविच सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रही है। आगे की तरफ क्लायरो है, बैक से डैडस की तरफ से फायर आ रहे हैं, स्वाड आए गए, सोलो प्लेयर बचे थे और इनको भी यहाँ पर पिक ऑफ कर लिया गया। इसी के साथ यहाँ पर लोगो #17 पर फिनिश आउट होते हुए, क्लायरो की स्क्वाड के निंजा यहाँ पर गेम से वाइप आउट होते हुए हाथ धो के निकल चुके हैं। और दूसरी ओर देखे तो क्लायरो की स्क्वाड की मुझे लगता है फाइट जो कि एंगेज होने वाली है फिर से, बिकॉज ZX की स्क्वाड यहाँ पर इजी वे में छोड़ती नहीं है और इजी वे में यहाँ पर किसी को जाने देती नहीं है। मौके का जो फायदा उठाना चाहते हैं वो ZX काफी बेहतरीन तरीके से जानते हैं और सीधा यहाँ पर स्लैमिंग दिखाते हैं और अच्छी खासी फाइट भी एंगेज करते हैं ZX स्क्वाड। बट ZX ये हमारे आयरॉक को एक अच्छा डैमेज प्रोवाइड किया क्लायरो की स्क्वाड की तरफ से। यस जिस हिसाब से बात करें पोजीशनिंग की तो क्लायरो एकदम ओपन ग्राउंड में है, इजी व्यू रहने वाला है ZX को, तो स्पॉट आउट करके सिर्फ थोड़े से व्हीकल्स के कवर बना रखे हैं इन लोगों ने और स्मोक वगैरह कर रखा है। जैसे ही स्मोक हटेगा, इन लोगों के स्मोक खत्म होंगे तो दिक्कत वाली सिचुएशन क्लायरो के लिए हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इनके पिक ऑफ होने के चांसेस है एंड ये टीम के किल्स डेफिनेटली ZX को जा सकते हैं। ZX से तरफ से देखा जाए तो क्लायरो के ऊपर स्लैमिंग तो आ ही चुकी है, दो ही प्लेयर्स अवेलेबल है, ZX इज लाइक मौके का फायदा उठा रहे हैं ZX यहाँ पर और अच्छे अच्छे किल्स भी निकालने की कोशिश कर रही है ZX स्क्वाड है और साथ में हमारे ZX की भी स्क्वाड है, दोनों भी यहां पर स्लैमिंग दे रहे हैं क्लायरो के गायरो गॉड के ऊपर यहां पर जो के शॉट कनेक्ट किया। इवन देखा जाए तो ZX से TDM प्लेयर काफी क्लोजिंग कर चुके हैं और कहीं ना कहीं ZX से हमारे रितेश भी काफी क्लोजिंग के साथ में, फायर अकेला है, फायर के ऊपर प्रेशर है, फायर गाड़ी के रोटेशन के साथ में निकलना चाहते हैं बट उनके ऊपर रैंडम वाले शॉट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। गायरो गॉड को बचाना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम रहेगा बट गायरो गॉड को एक भी बैकअप नहीं, नेड के साथ में कहीं ना कहीं फायर यहां पर गेम से बाहर जाने वाले और अच्छा खासा डैमेज यहां पर गेन कर चुके हैं बट फायर इज लाइक एक अच्छी खासी होल्डिंग चलती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर देखा जाए तो ZX स्क्वाड भी नॉक्ड आउट पोजीशन पे है, ZX तो आ चुके हैं कैसे ना कैसे जोन के अंदर, लेट्स सी देखते हैं अभी फाइनल वाली फाइट कौन लेके जाता है, बिकॉज़ जोन के जो मिडल वाले एरियाज पे वो अभी तक कोई भी टीम्स दिखाई देती हुई नजर नहीं आ रही है।
बात करें ZX की स्क्वाड की तो कहीं ना कहीं ZX बार बार थर्ड पार्टी सिचुएशन जानबूझ के क्रिएट कर रही है या वो गलती से फंस जा रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बनाना हाउसेस की बात करें अभी इससे पहले जो फाइट अपन लोग देख रहे थे तब भी ZX की स्क्वाड पुश की थी और वहां पर उनके प्लेयर एक डाउन हो चुके थे, देन वापस से वहां फॉल बैक लिया गया एंड यहीं पर भी सेम सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल जोन यहाँ पर बन चुका है स्कूल के एरिया साइड एंड INF की स्क्वाड की बात करें तो कहीं ना कहीं INF भी फाइट लेते हुए मुझे एंगेज दिखाई दे रही है। मिड के जोन के एजेस की बात करें तो बहुत सारी टीम्स दिखाई दे रही है, INS, 7NH, TNS, NXR, तो वहाँ बहुत ज्यादा बसर देखने मिल सकती है। Yes, वहाँ पे देखा जाए तो काफी अच्छी खासी क्लोजिंग देखने मिल सकती है और 7NH के हमारे स्लेयर भी काफी क्लोज है। इवन यहाँ पे BI के तरफ से प्लेयर यहाँ पे नॉकडाउन पोजिशन पे, तो उनको बचाना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी हो सकता है। और एज के तरफ से जो रोटेशन चल रही है काफी अच्छी रोटेशन देखने मिल रही है, स्कूल का एरिया जो ऊपर वाला एरिया से काफी क्लियर है, यहाँ पे ही ज्यादातर फाइट देखने मिलने वाली है। BI के तरफ से INN के बीच में यहाँ पर फाइट और देखा जाए तो एज की स्क्वाड के हमारे B1 को डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे याद है B1 की वो जो होल्डिंग रही थी, हाय हाय हाय, बहुत ही प्यारी होल्डिंग यहाँ पर B1 के तरफ से देखने मिली थी, जो कि एक अच्छा खासा चिकन डिनर दिलाया था एज की स्क्वाड को। यस यस, मुझे भी याद है वो पोजीशन, वो कैसे उन्होंने चिकन डिनर निकाला था। फिलहाल डेड एस की यहाँ पर क्लोजिंग कर दो आ रही है, एक प्लेयर को यहाँ पर नॉक के साथ पूरा फिनिश आउट कर दिया जो कि रियोक थे। अब यहाँ पर जोन के एजेस तक तो पहुंच चुकी है डेड एस, लेकिन अभी स्टिल इनको फाइट लेनी है। बहुत सारी टीम्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, थ्रोएबल स्मोक यहाँ पर यूज किया जाएगा क्योंकि विजन ब्लॉक करना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं पीछे से भी पिकऑफ होने के चांसेस है, तो थोड़ा सा केयरफुल डेड एस को रहना पड़ेगा। और आगे पूरी FF की स्क्वाड है जो बहुत ही ज्यादा मुझे दिख रहा है बहुत गलत सिचुएशन में है, देख सकते तो प्लेयर्स भी उनके डाउन है, जस्ट रिवाइवल दिया गया है। वन HP के प्लेयर्स हैं, CB ZX भी रोटेशन निकालती हुई आ रही है, इस की तरफ से भी फायर आने वाले हैं जो कि कनेक्ट हो रहे हैं ZX के प्लेयर्स को, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल फाइट्स हमें देखने मिल रही है। पीछे की तरफ भी टीम 18 की बात करें तो वहां पर भी फाइट चालू है एंड FF के कहीं ना कहीं सैंडविच भी हो सकती है। ZX को अब जोन के लिए क्लोजिंग करना है, जोन अलग डैमेज देगा, आगे फाइट भी मेंटेन करनी है, तीन टीम से फाइट निकालनी है ZX के लिए। बहुत मुझे डिफिकल्ट सिचुएशन होती दिखाई दे रही है। यस, डिफिकल्ट वाली सिचुएशन ZX के लिए है। एक्चुअली जोन का यहाँ पे डैमेज प्रोवाइड कर रहा है तरुण, कैसे ना कैसे क्लोज आ चुके हैं और बैकअप प्रोवाइड हो रहा है पवन और बनी की तरफ से, और काफी शानदार शॉट 2v2 का गेम और बनी की हेल्थ काफी डाउन है, बनी यहाँ पर खुद भी डाउन होने वाले और पवन यहाँ पर देखा जाए तो सिल्की को डाउन कर चुके हैं। 1v1 की फाइट यहाँ पर पवन की तरफ से देखने मिलने वाली है, पवन थोड़ी सी एक अच्छी खासी क्लोजिंग कर दे और अपने प्लेयर को भी रिवाइव कर दे तो मौके का फायदा उठा लिया है पवन ने यहाँ पर, पूरी की पूरी स्क्वाड को स्लैमिंग दी दिया। बट पवन एक शॉट के शिकार यहाँ पर बन सकते हैं, एक शॉट अगर कनेक्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं शिकार बन सकते हैं पवन। एकदम से यहाँ पर पासा पलट दिया ZX ने, मुझे लग रहा था ZX यहाँ पर फिनिश आउट हो जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से संभाली सिचुएशन पवन ने बहुत ही ओपी। बाकी बात करें I9 की तो I9 भी थोड़ी सी मुझे एक प्लेयर इनके ब्लीड आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो डाउन पोजीशन पे है, ए भी जस्ट हील अप करते हुए कैसे यहाँ पर सिचुएशन संभालते, आगे की तरफ भी स्क्वाड दिखाई दे रही है। फिलहाल तो थोड़ा सा होल्डिंग पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, जोन के लिए भी क्लोज इन करना है। वहीं पर बात करें जोन के एजेस की, ओके लियो की स्क्वाड की बात करें तो लियो ने अपने दो प्लेयर खो दिए हैं, अभी फिलहाल रेड कुक करके आगे की तरफ फेंका है, ये क्या कनेक्ट होता है, ओके फिलहाल फॉल बैक ले लिया गया सही टाइम पर, नहीं तो यहाँ पर नॉक का सामना करना पड़ सकता था रॉयल को। Yes, नॉक का सामना करना पड़ सकता था, नेड काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर एंगेज करी गई थी, बट ये देखा जाए गाड़ी के साथ में रोटेशन कर रहे हैं, चलती गाड़ी से एक प्लेयर को उतार दिया, अभी दूसरे प्लेयर को यहाँ पे उतारने की कोशिश कर पाते हैं नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। बट माफिया कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे पोजिशन पे आ चुके हैं, बट जोन के एज पे एज की स्क्वाड है तो ये चीज काफी नुकसानदायक हमारे माफिया के लिए साबित हो सकती है। एज की स्क्वाड यहाँ पर अलर्ट हो चुकी है और मौके का फायदा उठाया, गाड़ी का जो रोटेशन चल रहा था वहां पे माफिया ने जो शॉट कनेक्ट किया लाइक एक परफेक्शन वाला शॉट यहाँ पर माफिया की तरफ से रहा था, बट वो शॉट मिस आउट हो गया, बट माफिया भी गेम से बाहर निकल गए वो चीज पे। Yes, जोन के बाहर से आगे पूरी की पूरी एस थी तो कहीं ना कहीं पिक ऑफ होने के चांसेस थे उनके एंड INF की स्क्वाड की बात करें तो स्टिल ब्लू जोन के थोड़ा सा पे इनके प्लेयर्स देख सकते हो, तीन प्लेयर्स इनके डाउन है, स्टिल फाइट लेते हो, रॉयल की तरफ से विक्की की तरफ से फायर आ रहा है, कंफर्मेशन यहाँ पर दिया गया लेकिन खुद भी डाउन हो चुके हैं। बहुत ही ज्यादा इंटेंस सिचुएशन दिखाई दे रही है टीम INF और रॉयल के बीच में, स्टिल होल्डिंग पोजीशन पर है, एक प्लेयर चाहेंगे अपने जो डाउन प्लेयर है उनको रिवाइव देना। वहीं पर रैंकेड लकी की बात करें तो उनकी तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन नेड आया है, तो फिलहाल टॉप 4 टीम्स हमारे
हमारे सामने आ चुकी है, 10 प्लेयर्स अलाइव है। क्या लगता है कौन सी टीम लेकर जाएगी वाले मैच का चिकन डिनर? चार टीम्स है, 10 अलाइव है, तो देखा जाए। तो ये जोन का एरियाज भी अभी भी किसी के पास में नहीं है। मेरे हिसाब से 98 के जो है उनके पास में एक अच्छी जोन पावर मिल सकती है, जोन का एक पावर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इवन लकी भी देखा जाए तो एक अच्छे खासे एरियाज पे हाइड है, तो स्मोक के साथ में विजन एक्चुअली ब्लॉक तो कर तो चुके हैं। बट लेट्स सी, देखते हैं बीआई की स्क्वाड चिकन निकालती है, एस निकालती है क्या टीम 98 निकालती है। बीआई मौके का फायदा जरूर से उठाएगी। एस Y90 को यहां पर स्लाइमिंग कर चुके हैं जोन के एरियाज में, 98 के हमारे विनोद पहुंच चुके हैं। बट क्या हमारे लकी जोन के अंदर पहुंचेंगे या नहीं, या फिर हमारे INF की स्क्वाड यहां पर स्लाइमिंग दे दे? विनोद का यहां पर जोन मिलने वाला था, बट जोन का एक अच्छा फायदा नहीं उठा पाए। ओके सो या उनका माइक म्यूट हो गया था। यस अब यहाँ पर डेफिनेटली स्मोक्स का यूज किया जाएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा ओपन एरिया है, क्लोज इन करना है सारी टीम्स को, लकी को भी जाना है। तो कहीं ना कहीं मैं INF की बात करूंगी तो पेड़ का कवर लेते लेते जाएंगे क्लोज इन करने, लेकिन इजी व्यू रहने वाला है BI की स्क्वाड के पास, जिस हिसाब से उन्होंने एरिया ले रखा है, जो थोड़ा सा हाई ग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं लगता है BI की टीम ये मैच ले जा सकती है। यस, थर्ड पार्टी का शिकार एक्चुअली बन सकते हैं तीनों भी टीम्स के बीच में। कहीं ना कहीं ओपन एरिया से काफी यहाँ पर कवरिंग का कोई भी देखा जाए तो कुछ एरियाज देखने को नहीं मिल रहा है, कवरिंग के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो या ये तीन के टीम के बीच में फाइट होती है, तो कहीं ना कहीं BI मुझे लगता है थर्ड पार्टी के शिकार होने वाली है। और यहाँ पर देखा जाए तो INF की स्क्वाड थर्ड पार्टी होने वाली थी, बट INF की तरफ से एक अच्छी बैकअप रही है। BI के हमारे जहर हीलिंग सप्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं सारे के सारे फ्रॉम पोजिशन पे। मुझे लगा ही था BI यहाँ पे थर्ड पार्टी का शिकार बनने वाली है, अकेला प्लेयर यहाँ पर INF की तरफ से शेर ओपी बचे हुए हैं। एज की स्क्वाड कहीं ना कहीं एक मौके का इंतजार ही कर रही थी और मौके का फायदा जरूर से उठाया, और बीच में पेड़ था, पेड़ गायब हो गया। चलो पेड़ फिर से आ गया, बहुत अच्छा हुआ पेड़ तुम आ गए बीच में, एटलीस्ट हमको हाइड करने तो मिलेगा। बढ़िया जोन निकलने वाला है, 27 सेकंड्स है जोन के एजेस पे, यहां पर पूरी की पूरी स्क्वाड है। और जोन का जो देखा जाए सबसे मेन एज वाले एरियाज पे एज की स्क्वाड मुझे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। तो देखते हैं अभी सिचुएशन कैसी बनती है, फाइट कैसे चलती है, किसकी थर्ड पार्टी होगी, बिकॉज 1v2v3 का सामना है। तो BI के पास में एक अच्छा एडवांटेज है, बट थर्ड पार्टी का शिकार भी बन सकते हैं BI यहां पर बैकअप ना मिला तो। प्लेयर्स का तो जरूर एडवांटेज है, लेकिन थोड़ा सा जोन के लिए अभी भी क्लोज इन करना है BI को, और एस अपनी पोजीशन बनाकर बैठी हुई है। INF के स्टार बॉय कहीं ना कहीं मौके का फायदा उठा सकते हैं। यस, यहां पर नॉक निकाला गया है प्रीत की तरफ से भी, लेकिन यहां पर बैक फायर आया और रिकॉक कर लिया गया उनको भी। अब यहां पर बैक टू बैक स्प्रे देते हुए कहीं ना कहीं दिक्कत में फंस चुकी है BI, लास्ट प्लेयर को भी पिकऑफ कर लिया। इसी के साथ विनर चिकन डिनर गोज टू टीम एस। बहुत ही प्यारे किल्स के साथ यहाँ पर चिकन डिनर निकाला है टीम एस ने, देख सकते हो 4-2-5-3 किल्स के साथ बहुत ही प्यारा यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने मिला है एस के साथ। यस, एस के तरफ से 2-3-4-5 किल के साथ में आज विनर चिकन डिनर लेते हुए राज है, B1 है, प्रीत है, Y9D है, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पर देखने मिली है। सेकंड पे देखा जाए तो BI की स्क्वाड के हमारे BM है, जहर है, एस है, ड्रैकुला है 3091 के साथ में। कहीं ना कहीं एस इज अ लवली प्लेयर, 9 किल्स निकाल चुके, 13 किल कंफर्म कर चुके हैं ये लोग। थर्ड पे देखे तो INF की स्क्वाड है, शेर ओपी है, एक्सटेसी है, साइल है, अनु ओपी है, 1012 के साथ में यहाँ पर थर्ड पोजीशन निकालते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी सारी टीम्स की बात करें तो आप देख रहे हो जो कि हमारे 98 के जो कि 5 किल के साथ में फोर्थ पोजीशन पे, फिफ्थ पे रॉयल की स्क्वाड है 2 किल के साथ में, 6 पे TNS है यहाँ पर 1 किल के साथ में, 7 पे टीम लियो है 2 किल के साथ में, 8 पे हमारे NXR है 4 किल के साथ में, 9 पे I9 की स्क्वाड है 2 किल के साथ में, 10 पे ZX स्क्वाड है यहाँ पर 8-9 किल के साथ में, और ZX स्क्वाड 11 पोजीशन पे 2 किल के साथ में, 12 पे हमारे FFQ की स्क्वाड है यहाँ पर 1 किल के साथ में, 13 पे 7NA की स्क्वाड 1 किल के साथ में, और 14 पे हमारे टीम क्लायरो देख सकते हो 4 किल के साथ में, वह IABA की स्क्वाड 0 किल के साथ में 15 पे है, 16 पे पॉड्स की स्क्वाड 0 पे चल रही है, 17 पे हमारे लोको की स्क्वाड 1 किल के साथ में, 18 पे TM जो कि TM की तरफ से किल्स अच्छे है जो कि 5-6-7 किल्स निकाल चुके हैं, टीम UD की तरफ से भी 19 किल्स हो चुके हैं 0 किल के साथ में, 19 पोजीशन पे 0 किल के साथ में, 20 पोजीशन पे FTD की स्क्वाड 0 किल के साथ में, और 21 पे हाइप की स्क्वाड 0 किल के साथ में। कहीं ना कहीं काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, और मेरे घर के वहां पे जो कि मशीन चल रही है तो भी थोड़ा सा नॉइज आप सभी को आएगा, बट फिर भी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और यहाँ पर बात करते हैं हमारी टीम्स के बारे में। तो कैसा लगा इनके तरफ से परफॉर्मेंस? क्रेजी। ओके, क्रेजी गायब हो गई।
चलो कोई नहीं, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने मिला सारी की सारी स्क्वाड के तरफ से। तो एक एक्सपेक्टेशन थी सारी की सारी टीम्स के तरफ से जो कि काफी बढ़िया सी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली थी। और मेरे हिसाब से जो कि टीम बीआई यहाँ पर कर सकती थी, थर्ड पार्टी का शिकार ना बनते तो कहीं ना कहीं बीआई की तरफ से एक अच्छी खासी आपको गेम देखने को मिल सकती थी। क्रिजी आपका क्या ख्याल है, कौन सी टीम की तरफ से आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला आज? हेलो क्रेजी गायब है, क्रेजी इज नॉट हियर, देन वॉइस ऑफ हियर, क्रेजी अवेलेबल नहीं है, तो क्रेजी इज लाइक, तो चलेगा छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं सेकंड मैच के लिए। तब तक के लिए गाना सुनो, एंजॉय करो।
चलो आ चुके हैं फिर से गेम के अंदर। वेलकम टू द स्ट्रीम एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस बीआई हंट के सेकंड मैप में, जो कि शेनॉक का मैप है, 1v1 का मैप है, काफी छोटा मैप है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी फाइट आपको यहां पर एंगेज होती हुई नजर आ सकती है। क्या लगता है क्रेजी, ये जो फाइट है लास्ट मैच में तो हमारे बीआई की तरफ से काफी अच्छी ट्राई हार्ड रही थी, जो कि चिकन ने नहीं निकाल पाए, पर फिर भी ये वाले मैप में क्या लगता है, क्या बीआई चिकन ने निकाल पाएगी, फिर से ट्राई हार्ड करेगी? बीआई की तरफ से नॉकआउट राउंड में भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली थी और अभी भी कोशिश उनकी जारी है, तो हाँ देखा जा सकता है सनहॉक में इनकी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस देखने जा सकती है। लेकिन वहीं पर बात करें, अभी जब मेरा मैं चली गई थी, बट वो कोई बात नहीं, एस भी अच्छा जिस हिसाब से एस की तरफ से परफॉर्मेंस देखने मिली बहुत ही बेहतरीन थी, तो कहीं ना कहीं एस की तरफ से फिर से क्या लगता है चिकन डिनर देखने मिल सकता है? यस यस यस, मेरे हिसाब से तो चिकन डिनर पे ज्यादा फोकस है इसको करना पड़ेगा। अगर 3 दिन चिकन डिनर लाइन में निकल जाए तो मजा ही कुछ अलग आ जाए। और शेनॉक का मैप भी यहाँ पर टीपीवी में खेला जाएगा, तो शेनॉक का मैप यहाँ पर सबसे अच्छा हॉट ड्रॉप जो कि बूट कैंप बनने के नाम से जाना जाता है, पैराडाइज रिसोर्ट भी है, और कहीं ना कहीं लूट अगर अच्छी चाहिए तो कैंप ब्रावो, कैंप चार्ली, कैंप अल्फा, सेफ भी खेलना चाहो, लूट भी अच्छी चाहिए तो ये सारे पोजिशन पे आप जा सकते हो, ये सारे ड्रॉप लोकेशन पे आप उतर सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो कि ज्यादातर प्रेफरेबल हो सकता है जोन का मिडल वाला एरिया। क्या लगता है क्रेजी, जोन का एक्चुअली जो मैप का मिडल वाला एरियाज होता है वो एक प्रेफरेबल प्लेस होता है, जो कि रोटेशन काफी इजी बनती है वहां से? हाँ रोटेशन तो इजी बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर फाइट भी ज्यादा देखी जाती है, जिस हिसाब से ज्यादा टीम्स वहीं पर ड्रॉप लेना पसंद करती हैं, सो कहीं ना कहीं टीम्स अगर पैसिव खेले तो ज्यादा चांसेस रहते हैं लास्ट तक सरवाइव करने के भी और पॉइंट्स निकालने के भी। बात करें फ्लाइट पाथ की, तो फ्लाइट पाथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सामी से होकर जाते हुए हासिन की तरफ, तो इजी यहाँ पर टीम बूट कैंप की तरफ जाएंगी। बूट कैंप मतलब हाँ दो टीम्स देखी जा सकती है, ज्यादा नहीं देखी जा सकती क्योंकि टीम्स चाहेंगी पैसिव खेलना। और बाकी दूसरे ड्रॉप की बात करें तो कैंप अल्फा, दो तीन टीम्स डेफिनेटली कैंप अल्फा देखी जा सकती है। कैंप अल्फा इज अ लवली प्लेस, बट देखते हैं कैंप अल्फा की तरफ जाते हैं या नहीं जाते हैं, बिकॉज जो फ्लाइट पाथ है सेनो का मैप है, आप सभी को मालूम है कि काफी छोटा मैप है, तो यहाँ पर आप कहीं भी उतर सकते हो, यहाँ पर जो कि हॉट ड्रॉप करना चाहो या फिर कोई भी प्लेस पे कैंप रहो तक भी आप अपना एक जो कि रोटेशन बना सकते हो, इजी वे में आप वहां तक पहुंच सकते हो। बट फाइट एंगेज की बात करें तो बूट कैंप के एरियाज में कहीं ना कहीं मुझे दो स्क्वाड जाती हुई नजर आ रही है, डेड एक्स की स्क्वाड और जेड एक्स की स्क्वाड, दोनों भी एक्स एक्स की स्क्वाड यहाँ पर एक दूसरे के साथ में फाइट एंगेज करने वाले, और शेनॉक का मैप संभल संभल के करना है, एक हर एक स्टेप यहाँ पर संभल संभल के लेना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर देखा जाए तो सपेरो की नगरी के नाम से ये जाना जाता है मैप, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखा जाए प्रॉम पोजिशन पे कार्य बहुत सारे प्लेयर्स आपको देखने को मिल सकते हैं एंड वाले जोन के तरफ। यस यस, फिलहाल तो अभी यहीं पर ही बोट कैंप साइड फाइट देखी जाएगी, एंड अगर डॉग साइड बात करें तो डॉग साइड भी दो टीम्स गई है, INF की स्क्वाड गई है और बोट्स की स्क्वाड गई है, और फिलहाल TNS की तरफ से ट्रिपिंग, ओके बोट्स के टॉक्सिक का डाउन कर दिया, जैसे कि मैंने कहा था बिल्कुल बॉटम एरियाज में जहां पर डॉग रहता है वहां पर दो स्क्वाड है, यस फर्स्ट ब्लड निकाल लिया गया है यहां पर बोट्स, ओके टॉक्सिक डाउन होते हुए फिलहाल रिवाइवल दिया जाएगा। TNS एक और ताक में बैठी रहेगी कि किल कंफर्मेशन यहाँ पर इनकी तरफ से मुझे तो नहीं लगता किल कंफर्मेशन रहेगा, बाकी देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। TNS के हमारे ट्रिपिंग इज लाइक गेम से बाहर निकल चुके थे, उनके तरफ से स्लैमिंग रही थी बट स्लैमिंग उनके ऊपर रिटर्न में आ गई और यहाँ पर वाइप आउट कर दिया गया है। TNS के ट्रिपिंग इज लाइक मैंने क्यों फाइट ली, मैंने क्यों फाइट एंगेज करी, ये चीज काफी मुश्किल वाली बन गई, उनकी घड़ी भी यहाँ पे मुश्किल वाली चढ़ रही है। दूसरी ओर देखे तो कहीं ना कहीं 98 के भी एक प्लेयर यहाँ पर डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं और एक किल कंफर्मेशन ले चुके हैं। क्लायरो के फायर भी कहीं ना कहीं FF के चार्ली के साथ में फाइट ले चुके हैं। मार्शल इज लाइक एक अच्छी डैमेज के साथ में थे, हीलिंग पे फोकस नहीं करना चाहते, फाइट पे फोकस करना चाहते हैं, और DBS के साथ में फाइनल आखिरी सलाम यहां पर दे दिया गया है उनको और वाइपआउट के साथ में गेम से बाहर। यस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन टीम TM के लिए होते हुए दिखाई दे रहे, दो प्लेयर को अपनी अर्ली फाइट में दो प्लेयर को खो दिया, लेकिन एक किल तो खाते में लिया है, दो प्लेयर बचे हैं, कैसे वो आगे फाइट निकालेंगे कहीं ना कहीं इनके लिए दिक्कत रहेगी, क्योंकि लास्ट में एक दो प्लेयर्स कम होना बहुत ज्यादा इनको डिसएडवांटेज में ले जा सकता है। यस सो देखते हैं लाइक फिलहाल टीम के तरफ से अभी तो फिलहाल दोनों के दोनों टू मैन स्क्वाड खेलने की कोशिश करेंगे। FF के इज लाइक चार्ली इज डाउन हो चुके हैं फिलहाल अभी के लिए, पर बाबा गेमिंग क्या बैकअप प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या हमारे जो के FF के स्क्रैम यहाँ पर बैकअप प्रोवाइड करेंगे, सिल्की की तरफ से क्या बैकअप प्रोवाइड होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर मुझे दिखाई देते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज क्लायरो की स्क्वाड है कहीं ना कहीं उनके तरफ से भी एक चिकन डिनर निकालने की कोशिश करी जा सकती है, बट फिर भी एक होप है कि क्लायरो की तरफ से एक होल्डिंग देखने मिल जाए, बाबा गेमिंग को एक अच्छा सा
डैमेज दिया बट क्यूबिस का शॉट कनेक्ट हुआ उनके ऊपर। जिस हिसाब से क्लायरो की देखी गई है परफॉर्मेंस, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लायरो से उम्मीदें ज्यादा है यहाँ पर फाइट निकालने की, क्योंकि एफएफके कहीं ना कहीं फाइट लेती है लेकिन बाद में फिनिश आउट हो जाती है। तो बाकी देखते हैं यहाँ पर एफएफके अब फाइट निकाल पाती है अगेंस्ट क्लायरो के, क्योंकि जो कि बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग टीम है वहीं पर डाउन कर दिया गया है एफएफके के प्लेयर को। तो दिक्कत वाली सिचुएशन मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। बाबा गेमिंग फिलहाल टीपी पे लेते हुए लेकिन शॉट्स बहुत ज्यादा कनेक्ट हुए, रिवाइवल देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है ये देखना है। यस सर, रिवाइविंग पे फोकस चल रहा है। बाबा गेमिंग इज लाइक डाउन होने वाले थे और ये अच्छा खासा शॉट कनेक्ट किया डी यहाँ पर देख सकते हो, जो कि एक अच्छा स्लैमिंग प्रोवाइड किया उन्होंने। लेट्स सी, देखते हैं अभी टीम क्लायरो के अभी टी प्लेयर्स है यहाँ पे क्या माहौल क्रिएट करते हैं, बिकॉज बाबा गेमिंग एक उम्मीद से खड़े पड़े हुए हैं हमारे बाबा गेमिंग, और अच्छी खासी स्लैमिंग दिखाई है क्लायरो की स्क्वाड के। हमारे फायर को डाउन तो कर चुके हैं, क्या लगता है इनकी स्क्वाड के बाकी के तीन मेंबर्स इनके तरफ से कैसी परफॉर्मेंस देखने मिलती है? और यहाँ पर देख सकते हो किल कन्फर्म ले चुके हैं, दो प्लेयर्स बचे हुए बाबा गेमिंग के पास में। यहाँ पर हीलिंग्स अवेलेबल मुझे लगता है कि नहीं रहेगी, सीलिंग से कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यस, इतने ज्यादा डैमेज थे तो बाबक को पिक ऑफ कर लिया गया। अब सोलो प्लेयर बचे हैं एफएफके के, स्क्रीम पूरा का पूरा सिचुएशन उन पर मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं एफएफके मुझे अब पिक ऑफ होते हुए दिखाई दे रही है। किल कंफर्मेशन एंड यहाँ पर कर लिया गया है, पूरी की पूरी एफएफके खत्म होते हुए चार किल अपने खाते में ले लिया टीम क्लायरो ने। बट एक नुकसान हो चुका है टीम क्लायरो के तरफ से, वो चीज थोड़ी सी जो कि मुसीबत वाली बन चुकी है। दूसरी ओर देखा जाए तो रॉयल की स्क्वाड कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी लेने के लिए आई हुई है, और देखा जाए तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर जो फाइट एंगेज हुई थी वो फाइट के मजे ले रहे थे रॉयल की स्क्वाड के मेंबर्स, और दूसरी ओर देखे तो ZX स्क्वाड के हमारे TDM प्लेयर जो कि यहाँ पर धरती पे अपना एक जो कि कुछ खजाना ढूंढ रहे हैं, और पूरी की पूरी स्क्वाड खजाना ढूंढते-ढूंढते यहाँ पे वाइप आउट हो चुकी है। ओके, जैसा कि नाम है टीम का ZX, और पूरी की पूरी स्क्वाड को जो कि ZX थी फिनिश आउट कर दिया, किल्स ले लिया अपने खाते में। और यहाँ पर मुझे छपरी डाउन दिखाई दे रहा है टीम यूडी से, क्या यहाँ पर सिचुएशन बनती है? फिलहाल दो किल्स, ओके इन्होंने जस्ट दो किल्स कंफर्म किए हैं इनकी टीम से। गौरव खेल रहे हैं, सिनिस्टर खेल रहे हैं, छपरी को दिया गया है रिवाइव। कौन से दो प्लेयर्स इन्होंने फिनिश आउट किए? ओके, टीम एस के दो प्लेयर यहाँ पर पिक ऑफ कर लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए अब रहने वाली है दिक्कत। लास्ट मैच जिस हिसाब से परफॉर्मेंस इनकी तरफ से देखने मिली थी, क्या अब वही परफॉर्मेंस ये डुओ के साथ बाकी रख पाते हैं? मेरे हिसाब से एस की स्क्वाड का यही चीज हम लोग ने लास्ट टाइम भी नोटिस किया हुआ था। लास्ट जो क्वालिफायर्स जो खेल रहे थे यहाँ पर स्टार्टिंग वाले जो ए और बी ग्रुप के अंदर थे, बी सी डी जो भी ग्रुप के अंदर एस की स्क्वाड खेल रही थी, स्टार्टिंग में एक चिकन डिनर निकाला। सेकंड मैच जैसे यहाँ पोजिशन पे हारते हारते दो प्लेयर्स वाइप आउट हो चुके, तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। एस की स्क्वाड के ऑलरेडी दो मेंबर्स वाइप आउट हो चुके, और शैनोक का मैप आप सभी को मालूम ही है कि यहाँ पर जो जितनी हो सके उतनी अर्ली फाइट एंगेज हो जाती है। फ्रैग एक अच्छे खासे डैमेज गेन कर चुके हैं, और साथ में देखा जाए तो रिवाइव पे फोकस करना चाहते हैं, और वेस्ट यहाँ पर डैमेज हो चुका है। एक अच्छी खासी शॉट की दरकार यहाँ पर कर गई फ्रैग के ऊपर, तो फ्रैग यहाँ पे गेम से बाहर जा सकते हैं। बट देखते हैं इनकी टीम के दोनों ने मिलकर इतनी सी हेल्थ में कैसी टीम वर्क कर पाते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं फिनिश आउट होने की चांसेस हैं। यस, एक प्लेयर को डाउन कर दिया गया, फ्रैग सोलो प्लेयर बचे हैं सामने, पूरी की पूरी एनएक्सआर की स्क्वाड एंड ओमकार के थ्रू यहां पर पिक ऑफ कर लिया गया। तो 1ABA पूरी की पूरी यहां पर पिक ऑफ होते हुए चार किल्स अपने खाते में ले लिया टीम एनएक्सआर ने। दिया जाएगा रिवाइव, किया जाएगा हील अप। एंड बात करें अगर ओवरऑल जोन की, तो फिलहाल जोन के एजेस पे मुझे अभी टीम्स दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं जोन के लिए क्लोजिंग करती हुई टीम्स दिखाई दे रही है। क्लायरो भी चाहेगी जोन के अंदर आना, बाकी देखते हैं अब कौन सी टीम की तरफ से फाइट एंगेज देखने मिलती है। मेरे हिसाब से एज की स्क्वाड की और ये जो एरिया से बूट कैंप का एरिया ये ही काफी क्लोजिंग पे है, बट मेरे हिसाब से फाइट एंगेज्ड होनी नहीं चाहिए, यहाँ पर फाइट एंगेज होनी नहीं चाहिए। 18 टीम से काफी सारी टीम्स वाइप आउट हो चुकी है, और जो हम लोगों ने देखा था फाइनल जो लास्ट वाले मैच में, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टीम्स थी थर्ड वाले या फोर्थ वाले जोन पे। यहाँ पे फर्स्ट वाला जोन अभी तक क्लोज नहीं हुआ, वहां पे 18 टीम्स आ चुकी है, तो ये चीज मुझे काफी जो कि गंभीर लगी, बिकॉज सारी की सारी टीम जो सेफ खेल रही थी ये वाले मैप में टीम जो के फाइट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। यस, फिलहाल अभी बात करें तो i9 वर्सेस TNS हो चुका है, जहां पर बैक टू बैक फायर दिए जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा डाउन पोजीशन पर लाइट मतलब ब्लीड आउट होते
कितनी कम इनकी एचपी मुझे दिखाई दे रही है, रिवाइवल देने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर आई नाइन कहीं ना कहीं प्रेशर बनाते हुए मुझे दिखाई दे रही है टीम टीएनएस पे। कैसे सिचुएशन यहाँ पर संभालती है टीम टीएनएस? दो ही प्लेयर बचे हैं इनके, नहीं तीन प्लेयर है। सो थ्री मैन स्क्वाड कैसे संभालते हैं यहाँ पर सिचुएशन? थ्री मैन स्क्वाड, यस सर। राजा एक हमारे आए हुए ब्रूटल के साथ में रॉकी है, आई नाइन के स्क्वाड क्लोजिंग करने वाले। रॉक का पोजिशन रिवील हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं रॉक यहाँ पे वाइप आउट हो सकते हैं। मेरे हिसाब से रॉक का जो पोजिशनिंग है काफी बढ़िया पोजिशन पे यहाँ पर रॉक बैठे हुए हैं, तो रॉक के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करता हूँ। रॉक क्या चला रहे? AKM चला रहे, ओ माय गॉड। तो क्लोज रेंज फाइट में रॉक इज अ लवली चैंप, एक अच्छी डैमेज प्रोवाइड कर सकते हैं। टीएनएस ब्रूटल का पोजिशन रिवील हो चुका है, देखा जाए मॉली करते हुए नजर आ रहे ब्रूटल के ऊपर। मौके का फायदा उठाया रॉक ने, एक बढ़िया सी स्लैमिंग दे दी और रॉक के ऊपर रैंडम वाले शॉट, रॉक ने अच्छा खासा डैमेज प्रोवाइड किया रॉकी को, पर रॉकी को भी यहां पर डाउन कर दिया गया। राजा अकेला क्या करेगा ये राजा? क्या बजाएगा बाजा या फिर यहां पे हो जाएगा उनका तारा राना? नहीं 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 नहीं, राजा पे पूरा प्रेशर आ चुका है और सामने पूरी की पूरी I9 जिस हिसाब से अभी परफॉर्मेंस देखने मिली बहुत ही उम्दा थी टीम I9 की तरफ से। बैक टू बैक दो नॉक निकाले गए प्लेयर की तरफ से। अभी यहां पर राजा कैसे संभालेंगे सिचुएशन? कहीं ना कहीं पिक ऑफ होने के चांसेस इनके लिए दिखाई दे रहे हैं। डैमेज प्रोवाइड बहुत ही ज्यादा कर दिया गया है, कर दिया गया, लेकिन बचने के चांसेस नहीं थे। इसी के साथ पूरी की पूरी TNS यहां पर खत्म होते हुए, किल्स कंफर्म होते हुए, तीन किल कंफर्म कर लिए टीम I9 ने। वहीं पर एक ड्रॉप आ रहा है, चेकआउट कर लेते इसके अंदर क्या है। ओके, एयरड्रॉप नंबर 2 ग्रोज आगे साथ, लेवल 3 की गियर्स है, पिट 1 एंड ड्रिल इन शॉट। इस बार बैग दिया गया है, बैग की कमी नहीं है। यस, बैक की कमी काफी ज्यादातर देखने मिलती है, बट यहाँ पर बैक की कोई कमी नहीं करेंगे। और जोन भी काफी जो कि धीरे धीरे से क्लोज होगा, फर्स्ट वाला जोन क्लोजिंग पे, सेकंड वाले जोन की तैयारी। लेट्स सी, देखते हैं फाइट अभी कौन कौन सी टीम के बीच में बनती है। जोन की बात करें तो INF की स्क्वाड अभी भी अल्फा की तरफ अपनी लूट सक्षम करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रॉप के हिसाब से जोन वहां पे जा सकता है, बट अल्फा को यहाँ पे जोन, INF की स्क्वाड को जोन नहीं मिलने वाला है। बूट गेम की एरिया पे कहीं ना कहीं जोन जा सकता है, या फिर पाइनन का और लोको के जो हीरोइंस वाला एरिया से, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी जोन जा सकता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं एक बेहतरीन साबित हो सकती है स्क्वाड के लिए। बट बहुत सारी टीम्स यहाँ पे जोन का एक जो के मिडल वाले एरियाज पकड़ के रखे हुए, 7NM की स्क्वाड भी देख सकते हो जो के एक अच्छे खासे एरियाज पे अपना प्लेस बना के रखे हुए। कैंप ब्रावो के एरियाज पे हमारे माफिया की स्क्वाड है जो कि अभी जोन के अंदर तो आने की, NXR की स्क्वाड जोन के अंदर आने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी टीम्स ऐसी है जो कि जोन के बाहर फाइट ले चुके, स्टार्टिंग अर्ली फाइट उनके तरफ से देखने मिली है और अर्ली रोटेशन भी देखा जाए तो यहाँ पे काफी बेहतरीन तरीके से रही है। लेट्स सी, देखते कौन सी टीम यहाँ पे फाइट करेगी, क्या लगता है यहाँ पर क्रेजी, यहाँ पे कौन सी टीम देखना चाहोगे आप अभी? अभी चलते हैं, अगर मेरे हिसाब से जोन के प्रोटेक्शन की बात करें तो बॉटम एरिया साइड जोन बन सकता है। फिलहाल चलते हैं डेटेक्स की स्क्वाड की तरफ। एक सेकंड, हेलो, आप कंटिन्यू करिए एक सेकंड। ओके, चलेगा। सो यहाँ पर क्रेजी जो कि बिजी हो चुके हैं मिडल वाले एरियाज पे आ जाते हैं। एस प्रीत इज लाइक 10 नंबर पे चल रहे हैं और 0 किल के साथ में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। डेडेक्स स्क्वाड बूट गेम के मेन बिल्डिंग्स पे यहाँ पर दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हो उनके पास में M4 है, M4 के साथ में लूट काफी अच्छी खासी है, बैंडेजेस, बूस्टर्स और यहाँ पर मेडिकेट। बूस्टर्स एक भी अवेलेबल नहीं है, बट यस मेडिकेट है, 3 यहाँ पर फर्स्ट एड है और 11 बैंडेजेस के साथ में डेडेक्स स्क्वाड की तरफ से एक होल्डिंग चल रही है। सामने की ओर देखा जाए तो FTD की स्क्वाड भी है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में मुझे लगता है फाइट एंगेज हो सकती है और थर्ड पार्टी भी UD की स्क्वाड के तरफ से यहाँ पर रेडी वाला माहौल देखने मिल सकता है। तो देखा जाए तो काफी साइलेंट और यहाँ पर एरियाज देखने मिल रहा है, मेरे हिसाब से काफी साइलेंट एरियाज यहाँ पर देखने मिल रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी दिखाई दे रहा है, क्या लगता है BI की स्क्वाड यहाँ पर देखना चाहोगे? BI की स्क्वाड के ड्रैकुला इज लाइक अभी फिलहाल BI की तरफ से किल्स फील्ड आपको देखने नहीं मिले, बट यस BI की तरफ से हमारे ड्रैकुला है, IPM है, ए से और जहर यहां पर एक होल्डिंग पोजीशन पे है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या यहां पर फाइट बनती है। फिलहाल होल्डिंग पोजीशन में मुझे टीम BI दिख रही है, जिस हिसाब से अभी तक किल्स भी इन लोगों के नहीं है, थोड़ा सा लास्ट तक सरवाइव करने की कोशिश जिस हिसाब से पहले भी उन्होंने किया था, लास्ट में किल्स निकाले थे, पोजीशन निकाली थी और अपने टीम को सेकंड पोजीशन तक मेंटेन किया था। वहीं पर बात करें हाइप की स्क्वाड की, तो हाइप वर्सेस CM यहां पर चालू हो चुका है। नाइकी को कर दिया गया है डाउन, अब सोलो प्लेयर बचे हैं गॉड स्पीड। कैसे यहां पर सिचुएशन संभालते हैं? फिलहाल रिवाइवल देने की कोशिश किया जाएगी क्योंकि ये शायद से मिड रेंज फाइट यहां पर चालू है। इनकी एक किल तो अपने खाते में ले चुके हैं, लेकिन पिक ऑफ यहां पर कर लिया जाएगा, थोड़ा सा टैप शॉट जिस हिसाब से सामने से दिया जा रहा है। ओके, 1 HP पर यहाँ पर रिवाइवल देने की कोशिश, लेकिन इनको स्टिल शॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके लिए दिक्कत वाली सिचुएशन हो सकती है। बट यहाँ पर जीवन दान जिस हिसाब से दिया गया है बहुत ही OP।
यहाँ पर रिस्क है तो इश्क है, वैसे ही यहाँ पर माहौल जो कि क्रिएट हुई थी, बट यस बहुत ही बढ़िया रिवाइविंग यहाँ पर गॉड स्पीड के तरफ से रही है, और शुक्रिया अदा कर रही है हमारे नाइकी उनको कि बहुत ही बढ़िया रिवाइविंग आपने दी है, शुक्रिया मेरी जान। तो एक बढ़िया रिवाइविंग ये यहाँ पर आज की जो कि मजेदार वाली एक मोमेंट बन गई ये मैच की, बट देखते हैं जोन क्लोजिंग के साथ में, जोन के अंदर सारी की सारी टीम्स आ चुके हैं, 17 टीम्स है और कहीं ना कहीं फाइट एंगेज होती हुई नजर नहीं आ रही, तो सारी की सारी टीम्स यहाँ पर सेव के लिए, तो मुझे लगता है कि ये जो फाइट एंगेज होगी वो थर्ड वाले जोन से देखने मिल सकती है। यस फिलहाल तो अभी सारी टीम सेफ दिखाई दे रही है और दूर दूर तक अभी तो नहीं इन लोगों के बीच में फाइट एंगेज हो सकती है। एक बात करें तो हाँ, थोड़ी देर में अगर एफटीडी बूट कैंप की तरफ जाती है या डायरेक्ट बूट कैंप से बाहर निकलती है तो शायद से फाइट देखने मिल सकती है, बाकी अभी तो स्टिल सारी टीम्स होल्डिंग सिचुएशन पे खेलते हुए दिखाई दे रही है। लियो की स्क्वाड की बात करें तो जोन के एजेस पे है, पाइनल साइड बोट दिखाई दे रही है, उनके एजेस पर लोको भी है, तो अभी बीआई की स्क्वाड भी होल्डिंग सिचुएशन में, यूडी भी होल्डिंग सिचुएशन में, तो अभी तो नहीं फाइट देखने मिल सकती, लेकिन जब जोन बनेगा जोन के लिए रोटेशन निकालेंगे टीम, बहुत ही मजेदार फाइट देखने मिल सकती है। यस मेन तो फाइट है जोन के अंदर ही चलने वाला है, जोन का ही एक खेल है यहाँ पर। लियो की स्क्वाड एक काफी अच्छे एजीज पे बैठे हुए, बट उनके पास में जोन बनना मेरे हिसाब से मुसीबत हो सकती है, बट यहाँ पे डायरेक्ट से तरफ से K98 का एक बढ़िया सा शॉट जो कि राजा BTC को कनेक्ट हुआ है। आई डोंट नो कितने राजा यहाँ पर हमारे इस टीम पे, हमारे इस ये मैच पे खेल रहे हैं, ये जो मैप है यहाँ पर कितने राजा खेल रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे राजा यहाँ आए हुए, कौन सी विरासत से आए हुए हैं वो नहीं मालूम है। ये बात तो है, राजा तो दो तीन नेम मैंने भी नोटिस किए हैं फिलहाल यहाँ पर, राजा BTC को कर दिया गया डाउन, रिवाइवल तो दे दिया जाएगा, स्लैम एंड मुझे नहीं लगता यहाँ पर किया जाएगा, तो अभी भी देखते हैं जोन यहाँ पर किस एरियाज में बनेगा, शायद ये जोन बूट कैंप एरियाज पे ही जाएगा जहाँ पर सारी टीम दिखाई दे रही है, बाकी देखते हैं मेरा प्रेडिक्शन यहाँ कितना सही रहता है। यस बूट कैंप के एरियाज पूरे कवर है एंड आसपास के कंपाउंड्स भी आ रहे हैं, काफी सारी टीम जोन के अंदर दिखाई दे रही है, दो तीन टीम जोन के बाहर है, लेकिन हाँ थोड़ा सा क्लोज इन करके जोन के अंदर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी देखते हैं अब कैसे यहाँ पर फाइट ली जाती है टीम्स की तरफ से। यस टीम के तरफ से फाइट एंगेज होना ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी अभी तो फिलहाल कम है, थर्ड वाला जोन जो कि शुरुआत है, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के बाद में रोटेशन काफी बढ़िया तरीके से देखने मिलने वाली है, मजा आएगा जो मेन जोन बनेगा फिफ्थ वाला, उसके बाद में एक अच्छी खासी फाइट देखने मिलने वाली है NXR और 7NA के बीच में, मुझे लगता है कि एक अच्छी यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों के बीच में फाइट एंगेज हो सकती है, क्या ये फाइट होती है या नहीं, क्लोजिंग करते हैं या नहीं, या फिर रश करने की कोशिश यहाँ पे होती है या नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन। 7NA की स्क्वाड यहाँ पे ओपन एरियाज में जो कि बिना कोई जो कि थिंकिंग के बिना यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, आजू बाजू देखना नहीं, सीधा सीधा यहाँ पर चल के जाना है, तो ये चीज मेरे हिसाब से काफी गलत साबित हो सकती है उनके लिए। अभी तो वो अपने मन चाहे कमा ओके पीछे से फायर शॉट आया, अंदाजा नहीं था उनको और फायर तो दिया गया है स्लेयर की तरफ से, तुरंत कवर पकड़ा गया, नहीं तो जिस हिसाब से स्प्रे आया था कहीं ना कहीं पिक ऑफ होने के चांसेस थे, बैंडेजेस लगा के वापस से कवर पकड़ा जाएगा। क्या लगता है यहाँ पर 7NA फाइट लेने के मूड में है, लग तो नहीं रहा है, अभी भी अपना फोकस जिस हिसाब से है उनका वहीं पर मूव करते हुए दिखाई दे रही है अभी। देखते हैं BI की स्क्वाड एक अच्छे एरियाज पे, क्लायरो की स्क्वाड एक देखा जाए तो पैराडाइज रिसोर्ट बूट कैंप के मिडल वाले एरियाज पे एक अपार्टमेंट पकड़ के रखे हुए हैं सारे के सारे प्लेयर्स। थर्ड वाला जोन एक क्लोजिंग पे आने वाला है, 6 सेकंड से हमारा थर्ड वाला जोन क्लोजिंग जो कि शुरुआत हो चुकी है, देखते हैं अभी फाइट एंगेज होती है नहीं, बिकॉज टीम की तरफ से जो सेफ यहाँ पर खेलने की कोशिश हो रही है वो चीज मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छा दिखाई देते हुए नजर आ रहा है, नजारा जो कि मैं विजन आउट कर रहा हूँ कि कौन सी टीम यहाँ पे निकालेगी, डैडे से तरफ से कहीं ना कहीं मुझे चांसेस लग रहे हैं चिकन निकालने के लिए, बट फिर भी यहाँ पर फाइट जो कि बूट कैंप के एरियाज पे जोन बनता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हीलिंग वाली भी फाइट देखने मिल सकती है, और कहीं ना कहीं देख सकते हो जो कि एक अच्छी थर्ड पार्टी भी देखने मिल सकती है। ओके आई थिंक सो इनका लाइट चला गया रहेगा, तो दैट्स वाई क्रेजी नॉट अवेलेबल, क्रेजी हो आपके। ओके सो क्रेजी नहीं है, क्रेजी जो कि बाहर निकल चुके हैं, क्लायरो की स्क्वाड कहीं ना कहीं क्लोजिंग हो चुके हैं, तो दोनों के पीछे फाइट एंगेज होने वाली है, फाइट शुरुआत हो चुकी है, निंजा यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, निंजा के साथ में गायरो गॉड कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी डैमेज के साथ में, गायरो गॉड ने यहाँ पर रीडिंग ले चुके, क्लोजिंग करने की कोशिश करना चाहते हैं, 1v1 का सामना करना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम हो सकती है, और अच्छी खासी शॉट कनेक्ट करने के साथ में गन स्विच कर चुकी है, बट यहाँ पर जो कि 7NA के स्लेयर ने एक अच्छा स्लैमिंग जो दिखाया है बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर उनके तरफ से परफॉर्मेंस देखने मिली है, स्लेयर
प्लेयर ने एक मौके का फायदा उठाया और पूरा का पूरा यहां पर उनको स्लैमिंग कर दिया। एक मजेदार वाली फाइट देखने मिली है, जोन भी क्लोजिंग के साथ में। देखते हैं नेक्स्ट वाला जोन कहां पे बनता है, नेक्स्ट वाले जोन की एक तैयारी हो सकती है। 7NA की तरफ से दो प्लेयर यहां पे वाइपर के साथ में, स्लेयर अकेला बचा हुआ है और एक प्लेयर नॉक के साथ में। ओके हमारे क्रेजी का लाइट का इशू हो चुका है, तो अभी लाइट यहाँ पर मैं ही कास्टिंग करूंगा, क्रेजी आपको नहीं मिलेंगे। बट फिर भी देखते हैं, थर्ड वाला जोन क्लोजिंग होने वाला है। 7 टीम UD के सिनिस्टर है, हमारे गौरव है, गौरव के साथ में छपरी। यहाँ पर एक होल्डिंग एरिया पे जोन के एक एजीस पे देखा जाए तो 3 टीम स्क्वाड है, हाइप की स्क्वाड है, INF की स्क्वाड है और टीम 98 के यहाँ पर प्लेयर्स दिखाई देते हो नजर आ रहे। जोन के मिडल के एरिया पे बॉट की स्क्वाड है, सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पर देखा जाए तो एक्चुअली मिडल वाले एरिया पे हमारे FTD की स्क्वाड है, बॉट्स की स्क्वाड है, एज की टीम है, एज की टीम टू वर्सेस यहाँ पर देखा जाए तो टू मैन स्क्वाड खेलते हुए नजर आ रहे। एज के B1 है, प्रीत है, तो टू मैन स्क्वाड खेलना मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो कि मुसीबत का एक सामना हो सकता है। बट जब तक जोन हाथ में है तब तक गेम साथ में है, जोन हाथ से गया तो समझो गेम हाथ से गया। 33 सेकंड से फोर्थ वाला जोन क्लोजिंग के लिए और कहीं ना कहीं सैटन यहां पर देख सकते हो जो कि बैंडेजेस बूस्टर्स अच्छे खासे लूटेड है बट उसका कोई यूज नहीं कर पाए और वाइपआउट के साथ में गेम से बाहर चले गए। लियो के AS बचे हुए हैं और चेरी अकेला, दोनों के दोनों यहां पर बचे हुए हैं। टू वर्सेस का सामना करना मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी काफी कम है। 15 सेकंड से कैसे ना कैसे जोन के अंदर पहुंचना पड़ेगा। यहां पर कोई आजू बाजू में व्हीकल्स भी अवेलेबल नहीं है और इवन ड्रॉप भी था, जो कि ड्रॉप यहां पर काफी अच्छा लूट प्रोवाइड जरूर से करेगा बट जोन के अंदर ही नहीं पहुंचेंगे तो ड्रॉप का यूज यहां पर कोई भी तरीके से आप कर नहीं पाओगे। INF की टीम सीधा रोटेशन पे फोकस और पहुंच चुके हैं जोन के अंदर जाने की कोशिश और दूसरी ओर देखें तो गौरव के तरफ से कहीं ना कहीं फाइट एंगेज हो चुके थे। विनोद यहां पर वाइपआउट के साथ में गेम से बाहर चले गए। हाइप के तरफ से वाटर वाला आप देखा जाए तो यहां पर एक जो रोटेशन चलते हुए नजर आ रहे, वाटर पानी के साथ में रोटेशन कर रहे, कैसे ना कैसे जोन के अंदर पहुंचने की कोशिश चल रही है। INF के शेर ओपी इज लाइक एक अच्छे विजन लेने की कोशिश INF के तरफ से चलते हुए नजर आ रहे। शेर ओपी भी जोन के बाहर जाने वाले, मैं तो जाऊंगा बट तुमको भी लेके जरूर से जाऊंगा। इनवाइटेड टीम कौन कौन है, इनवाइटेड टीम आपको सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में देखने मिलेंगे नितिन भाव। सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में आ जाएगी बड़ी बड़ी टीम्स जो कि बुलाने की ये है, जो कि बुलाने वाले हैं, बुलाने की ये नहीं मतलब बुलाने वाले हैं, तो आपको सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में देखने मिलेगा। कास्टर चैनल लिंक, अगर गाइस अच्छा लगे कास्टर तो हमारे मॉडरेटर्स डाल रहे हैं तो आप जरूर से एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। हाइप के हमारे डूड कैसे ना कैसे पहुंच तो चुके हैं और देखा जाए तो INF के हमारे शेर ओपी एक्चुअली इनको भी थोड़ा सा क्लोजिंग करना चाहिए था, मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। मैं तो जाऊंगा बट तुमको भी साथ में लेके जाऊंगा, किल कन्फर्म तो लेगा ही ना, किन कन्फर्मेशन यहाँ पर लेना काफी प्रायोरिटी बन जाती है बिकॉज किल कंफर्मेशन आप लोगे तो एक पॉइंट टेबल में आपको एक अच्छी बूस्ट मिल जाती है और कहीं ना कहीं पॉइंट टेबल में एक अच्छे खासे पॉइंट्स के साथ में रहते हो तो एक मौका मिल जाता है आगे बढ़ने का। एक पॉइंट्स की कीमत भी आप सभी को मालूम है कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है। डार्क स्क्वाड नहीं, लोको की स्क्वाड की बात करें तो लोको इज लाइक यहां पर एक होल्डिंग एरिया पे देखा जाए तो यहां पर एक अच्छी खासी कैंपिंग चलते हुए नजर आ रहे। बाहर के एरिया से जो भी जोन के अंदर आना चाहते हैं तो उनके ऊपर स्लैमिंग करने की कोशिश इनकी तरफ से चलती हुई नजर आ रही है। लोके के संदीप हमारे सेंड डीप, यह संदीप इज लाइक एक अच्छे होल्डिंग पे नजर आ रहे। बॉट टू स्नाइप के तरफ से कहीं ना कहीं फाइट एंगेज हो चुके हैं। INF के हमारे देखा जाए तो एक्सटसी यहां पर काफी अच्छी खासी फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे बट ये यहाँ पे फायरिंग तो करी है बट एक प्लेयर को डाउन नहीं किया था। उनके तरफ से रश करने की चांस तो निकल चुका है, दोनों के दोनों प्लेयर्स को वाइपआउट दे चुके हैं। 3 किल कन्फर्मेशन ले गए अकेले, यहाँ पर 3 किल कन्फर्मेशन ले चुके तो एक बार ओपन द चैट हो जाना चाहिए हमारे एक्सटसी के लिए, तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। यहाँ पे हीलिंग अप्लाई करते हुए नजर आएंगे और 14 टीम्स है तो काफी अच्छी खासी होल्डिंग चलेगी बट जोन यहाँ पर बहुत ही जल्दी रोटेशन करता है तो वो फोकस करना है। 35 सेकंड्स रिमेनिंग है, 35 सेकंड्स के अंदर यहाँ पर जोन पे रोटेशन करना है, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी सहारा नहीं आपके पास में, तो संभल के खेलना है, जोन पे रोटेशन करना है, जोन पे ज्यादा फोकस करना है और अच्छी होल्डिंग भी आपको जोन पकड़ के करना है। तो जोन के अंदर की एरियाज की बात करें तो बॉन्ड टू स्नाइपर रॉयल की स्क्वाड है, साथ में हमारे यूट्यूब की टीम है, बूट कैंप के एरियाज पे यहाँ पर जोन नहीं बना है तो ये चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। अरे कास्टर ओपी स्मार्ट वुल्फ ओपी, अरे रे 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 आपकी कास्टिंग ओपी है ब्रो, नाइस वॉइस, अरे लेजेंड भाई थैंक यू मेरी जान। या गौरव के तरफ से फाइट एंगेज हो चुके और यहाँ पे देखा जाए तो स्वॉर्ड को डाउन कर चुके हैं। संदीप के तरफ से कोई भी बैकअप नहीं, जो कि टीम यहाँ पर स्प्लिट पोजिशन पे खेलते हुए नजर आ रही है। अकेले यहाँ पे ओपन एरिया में जा रहे तो कहीं ना कहीं बूट कैंप के भी शॉट कनेक्ट हो सकते हैं, इवन FTD की तरफ से भी शॉट कनेक्ट हो सकते हैं और रॉयल की तरफ से भी कहीं ना कहीं शॉट कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे हिसाब से ये मुसीबत का सामना आपको झेलना पड़ सकता है। इसके B1 यहाँ पर डाउन टू अर्थ हो चुके, अकेला प्लेयर पीत बचा हुआ है और जोन
के अंदर जाना काफी प्रायोरिटी वाला पार्ट यहाँ पे दिला सकता है। लियो की तरफ से यहाँ पर शॉर्ट कनेक्ट इवन यहाँ पर हमारे देखा जाए तो 98 के मैक्स भी डाउन के साथ में लोगों के संदीप यहाँ पे गेम से बाहर हो चुके हैं, जो कि लियो के एएस अकेला प्लेयर बचा हुआ है। कैसे ना कैसे जोन के अंदर पहुंचने की कोशिश करनी है। चार फर्स्ट एड डेफिनेटली फिफ्थ वाला जोन है, चार फर्स्ट एड आप अप्लाई करते करते जोन के अंदर पहुंचना मेरे हिसाब से तो पॉसिबिलिटी काफी कम है। बट ये पीछे की एरिया पे क्यों जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो कि लूटने के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट एड अच्छे खासे मिल जाए तो ये चीज काफी अच्छी प्रायोरिटी दिला सकता है। बट सिक्स वाला जोन 1-6-6 एचपी का डैमेज आपको प्रोवाइड करेगा। देखा जाए तो एज के प्रीत भी जोन के अंदर बढ़ने की कोशिश, वो तो जोन के अंदर पहुंचेगी नहीं, बट जो भी जोन के अंदर जाना चाहेंगे उनको यहाँ पे वाइपआउट करने की कोशिश करेंगे। 12th पोजीशन यहाँ पर जो कि 12 टीम है, अगर ये वाइपआउट हो जाता है तो 12th पोजीशन पे आपको देखने मिल सकते हैं। फर्स्ट एड अप्लाई कर रहे हैं और I9 की स्क्वाड निकल चुके हैं यहाँ पर बॉट्स के साथ में स्लैमिंग करने के लिए। बॉट के टॉक्से का यहाँ पर M24 रायन का एक भी शॉट कनेक्ट नहीं देखने को मिला इनके तरफ से। केतन प्रेत डीबीस चलाएंगे, क्लोज रेंज आ जाओ, कोई भी क्लोज किंग करो यार। इनकी स्क्वाड की तरफ से देखा जाए तो इंटेंस यहाँ पर बैकअप प्रोवाइड करेंगे, रिवाइव करने पे कंसंट्रेट करें। दो प्लेयर्स यहाँ पर ब्लीडिंग पे नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमारे यूडी के छपरी और साथ में गौरव है, फर्स्ट एड अप्लाई करेंगे। छपरी इज लाइक एक अच्छी खासी डैमेज यहाँ पर हो चुकी है उनको, लेवल 1 का वेस्ट यहाँ पर एक अच्छा डैमेज प्रोवाइड करेगा। दूसरी ओर देखें तो डायरेक्ट से हमारे आई रॉक भी डाउन टू अर्थ हो चुके हैं, तो ये चीज उनके लिए काफी मुसीबत वाली बन चुकी है एफटीडी। और यहाँ पर देखा जाए तो राजा के तरफ से कहीं ना कहीं क्लोजिंग चल रही थी कि नहीं मैं जाके यहाँ पर वाइप आउट करूंगा। पहली प्रायोरिटी इज लाइक सेफ्टी पे कॉन्सेंट्रेट, सेकंड प्रायोरिटी इज लाइक फाइट पे कॉन्सेंट्रेट। ये चीज काफी जो कि दर्दनाक रही हमारे राजा बीटीसी के लिए। बट ये सभी जोन निकलने वाले, जोन के अंदर पहुंचना मेरे हिसाब से काफी पॉसिबिलिटी कम है और ये जोन धीरे धीरे से क्लोज हो रहा है। 9 सेकेंड्स के अंदर रिवाइव करना रहता है, बहुत ही मुश्किल की घड़ियों का सामना करना पड़ता है। यूडी के छपरी इस लाइक गेम से बाहर जाएंगे। यूडी की तरफ से गौरव यहाँ पर देखते हैं कितने गौरव के साथ में यहाँ पर कितने प्लेयर्स को डाउन कर पाते हैं। एक तो डाउन दे चुके, दूसरे को अगर डाउन भी कर दिया तो मजा आ जाएगा। क्लोजिंग करने की चाहते, एक गेम का शॉट कनेक्ट करने की कोशिश, गन स्विच कर चुके, पूरी की पूरी स्क्वाड ने रश कर दिया और वाइप आउट कर दिया यहाँ पर। कहीं ना कहीं रॉयल की स्क्वाड मुझे लगता है ये चिकन लेके जा सकते हैं एफटीडी के राजा, कैसे ना कैसे स्लैम करते करते, कैसे ना कैसे प्रॉम्प्ट करते करते और यहाँ पर अपना पेट पकड़ते पड़ते आगे जाने की कोशिश करी है। क्लिक बेट है या स्काउट खेल रहा है, स्काउट खेलेगा सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में। आज क्वालिफायर्स का लास्ट डे है तो कल और जो कि 38 से कहीं ना कहीं सेमीफाइनल्स आपको देखने मिलेंगे, तो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में बड़ी बड़ी टीम्स आने वाली है। जोनाथन का तो है ही, बट स्काउट का भी एक चल रहा है, बुलाएंगे, बड़ी बड़ी टीम्स आएगी, बड़ी बड़ी टीम्स कोई ना कोई तो आएंगी। सो लास्ट की तीन टीम्स है, तीन टीम्स से बीआई की स्क्वाड, बाय बीआई की तरफ से पोजीशनिंग निकली है। लेट्स सी देखते हैं चिकन डिनर निकालने के चांसेस कितने बनते हैं। बीआई की तरफ से जोन का एरिया सा अभी फिलहाल ड्रैकुला के पास में नहीं है, बट यस एस कहीं ना कहीं जोन के अंदर पहुंच चुके हैं। एफटीडी के पास में एक मौका है, मौके पे जरूर से चौका मारेंगे। चारों के चारों प्लेयर्स अवेलेबल उनकी स्क्वाड की तरफ से और देखा जाए तो बॉट्स की स्क्वाड वेरी लकी टीम, वेरी लकी टीम जो कि इंडियंस की तरफ से जो बैकअप प्रोवाइड करा गया है टॉक्सिक को और इवन केतन को, तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी लगी। जो कि बैकअप प्रोवाइड करना, टीम वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आप टीम वर्क नहीं करते हो तब तक के लिए आपको यहां पर जो कि बहुत ही नुकसान हो जाता है। टीम वर्क के साथ में उन्होंने दो प्लेयर्स को बचाया तो है, बट फिर भी यहां पर कुछ भी हो जाए, भले वो उनकी स्क्वाड की तरफ से कोई भी किल्स ना हो, बट फिर भी पोजीशन, थर्ड पोजीशन मिला है उनको, वो चीज पे एक अच्छी खासी पॉइंट्स आपको मिल जाती है। थर्ड पोजीशन के पॉइंट्स आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम रहेगा तो डिस्कॉर्ड जरूर से ज्वाइन करना, आपको पता चल जाएगा। 15 पॉइंट्स जो कि टॉप पोजीशन पे, 12 पॉइंट्स समथिंग सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पॉइंट्स जो कि थर्ड पे जो भी है वो 10 पॉइंट्स के साथ में रहेंगे, तो ये चीज काफी एक अच्छी आपको प्रायोरिटी दिला सकता है। एक एटलीस्ट पॉइंट्स के हिसाब से आगे तो बढ़ जाओगे, तो एक पॉइंट की भी यहां पर बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, तो वो हिसाब से 10 पॉइंट तो आपको ज्यादा मिल ही जाएंगे। सो देखा जाए तो ड्रैकुला और बीआई के एस थोड़े थोड़े से धीरे धीरे से क्लोजिंग कर रहे हैं, उनको एक अच्छा खासा मौका है जो कि डाउन टू डाउन रीच वाला एरिया आप बोल सकते हो। हाई रीच पे हमारे एफटीडी की स्क्वाड है, डाउन रीच के एरियाज की बात करें जो कि नीचे वाले एरियाज पे हमारे बीआई की स्क्वाड के ड्रैकुला और एस है, और देखा जाए तो इवन हमारे बॉयज की स्क्वाड भी डाउन एरियाज पे ही है, तो उनको भी एक अच्छा मौका है। बट जोन अभी फिलहाल जो कि किसी के पास में बन नहीं रहा है, जोन का एरियाज जो कि एफटीडी के पास में ही जा रहा है, तो एफटीडी के पास में ऑलरेडी चार के चारों प्लेयर्स है, तो कहीं ना कहीं एफटीडी को संभल के खेलना है, थर्ड पार्टी का शिकार नहीं बनना है, थर्ड पार्टी का शिकार यहाँ पर नहीं बनना है। लेट्स सी देखते हैं, 19 सेकंड्स है, 8 यहाँ पर 8 वाला जोन क्लोजिंग पे जाने वाला है। जोन क्लोज जैसा होगा वैसे ही फाइट एंगेज देखने वाली मिलने वाली है। बीआई के पास में हीलिंग्स कितनी है, एक हीलिंग हमारे एज के पास में है, ड्रैकुला के पास में एक फर्स्ट एड है, ये चीज मुझे लगता है मुसीबत बन सकती है।
थॉमसन के साथ में लवली शॉट कनेक्ट किया है बॉट्स के टॉक्सिक डाउन के साथ में, और टॉक्सिक के साथ में यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारे केतन भी जा सकते हैं गेम के बाहर। चलो टू वर्सेस फोर का गेम, एक अच्छी खासी फाइट यहाँ पर दिखने वाली है, एक अच्छी खासी फाइट आपको देखने मिलने वाली है। तो देखते हैं FTD की स्क्वाड यहाँ पर क्या करती है। BI की स्क्वाड की तरफ से ड्रैकुला कहीं ना कहीं क्लोज आ चुका है, और मुझे लगता है ये फाइट FTD को थर्ड पार्टी का शिकार, FTD एक्चुअली थर्ड पार्टी का शिकार करेगी मेरे हिसाब से। FTD की तरफ से थर्ड पार्टी देखने मिल सकती है, और आ चुके हैं BI की स्क्वाड यहाँ पे क्लोजिंग के साथ में। राजा ऊपर के एरिया पे, राजा को एक अच्छा जो कि विजन मिल जाए तो BI की स्क्वाड के यहाँ पर दोनों के दोनों प्लेयर्स को डाउन कर सकते हैं। BI के एस को एक अच्छा खासा डैमेज, BI एस इज लाइक जोन के बाहर के एरिया पे एक अच्छी मॉली के साथ में नेट करा गया है। इंटेंस के तरफ से बहुत ही अच्छा खासा नेड आ चुका है FTD के स्क्वाड के एक मेंबर्स को, तो पूरा का पूरा वाइपआउट दे चुके हैं, किल कंफर्मेशन ले चुके हैं। 1v1v2 का गेम यहां पे देखने मिलने वाला है। ड्रैकुला अकेला है, 1v2 का सिचुएशन, ड्रैकुला के ऊपर प्रेशर बनने वाला है। थॉमसन उनके पास में, लेवल 3 का बैग है, लेवल 2 का हेलमेट है, लेवल 2 का वेस्ट है। यहां पे देखा जाए तो अकेला प्लेयर बचा हुआ है, एनर्जी ड्रिंक अप्लाई करते हुए नजर आ रहे। क्या लगता है यहां पे टीम यहां पे रश करने की कोशिश करेंगे या नहीं? रश करने की कोशिश हो जाए तो मजा ही कुछ अलग आ जाएगा। ड्रैकुला 1v1 का सिचुएशन पर फ्लैंक पोजीशन पे बैठे हुए थे हमारे दोस्त, और यहां पर YouTube ने लास्ट वाला किल कंफर्मेशन लिया। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पर देखने मिली है। तो FTD की स्क्वाड की तरफ से जोकर वाइटी, क्रॉक्सी ओपी, और साथ में हमारे ओखार जो कि हमारे YouTube एक्स ओखार बोल सकते हो, यहां पर राजा BTC 0331 के साथ में 6-7 किल कंफर्मेशन ले चुके हैं, और बढ़िया परफॉर्मेंस रही है FTD की स्क्वाड की तरफ से। कहीं ना कहीं BI की तरफ से भी एक अच्छे चांस थे, बट BI ने यहां पर 1v1 का सिचुएशन जो कि उनके तरफ से यहां पर मिस आउट हो गया, और काफी अच्छा लगा ये मैच देख के BI की तरफ से। BM जहर एस और ड्रैकुला फिर से सेकंड पोजीशन पे 0033 6 किल्स के साथ में। थर्ड पे देखा जाए तो बॉट्स की स्क्वाड है, इंटेंस है, हमारे केतन है, टॉक्सिक है, हमारे वैग है 2101 के साथ में थर्ड पोजीशन पे। तो प्लीज ओपन द चैट फॉर दिस 3 टीम्स। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, पुराने तो लाइक से जरूर से करना, एंड तुम्हारे भाई का चैनल अगर देखना चाहते हो, अगर हमारे दोनों कास्टर का चैनल देखना चाहते हो तो हमारे जो के मॉनिटर्स ने लिंक डाला हुआ है कास्टर चैनल्स लिंक, तो वो भी हमारे जो के मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करो, क्रेजी का भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। इफ यू गाइस वांट टू सपोर्ट अस तो आप जरूर से कर सकते हो, मेहनत पे तो भाई सब सपोर्ट करते ही है, बट फिर भी आपको अच्छा लगे तो जरूर से सपोर्ट करना, ना अच्छा लगे तो कोई टेंशन नहीं है। तो फोर्थ पोजीशन पे 7NA की स्क्वाड है, तो दिस पीपल आर प्लेइंग विद 4-5 किल्स। रॉयल की स्क्वाड फिफ्थ पे है 3 किल के साथ में। 6 पे हमारे टीम UD है, उनके तरफ से किल काफी बढ़िया है, 10-12 किल्स निकाले यूडी की स्क्वाड ने। TM की स्क्वाड की बात करें तो यहां पर 4 किल के साथ में TM के तरफ से परफॉर्मेंस रही है। 8 पे डेडेक्सी स्क्वाड यहाँ पर 2-2, 4-2, 6-7 किल्स। INF 9 पोजीशन पे 4-6 किल्स, भाई सारे के सारे 6 किल्स निकाले। लियो 10 पे है 2 किल के साथ में। एस यहाँ पर 11 पे 0 किल के साथ में। I9 की स्क्वाड यहाँ पर देख सकते हो 3-1-1-1 जो कि 6 किल के साथ में। डाक लोको की स्क्वाड देखा जाए तो 1 किल के साथ में। 14 पे 98 की स्क्वाड यहाँ पर 2 किल के साथ में। 15 पे NXR यहाँ पर 6 किल के साथ में। हाइप की स्क्वाड 16 पे 0 पे चल रही है। क्लायरो की स्क्वाड यहाँ पर 2-2-4-1-5 किल के साथ में। 18 पे TNS की स्क्वाड 0 पे चल रही है, और 19 पे हमारे IABA की स्क्वाड 1 किल के साथ में। ZXC टीम 0 पे 20th पोजीशन पे, और 21 पे FFK की स्क्वाड 1 किल के साथ में। चलेगा, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए हम लोग लाइक एक अच्छी खासी बातचीत कर लेते हैं, मजा जाएगा। जो कि हमारे मिस क्रेजी तो अवेलेबल है नहीं, बट उनके जगह पे रिप्लेसमेंट पे मैं ही आप सभी से बात करूंगा। तो यस, FTD ने एक बढ़िया मौके का फायदा उठाया, ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। और ड्रैकुला इज लाइक एक मौका था उनके पास में, मौके पे चौका नहीं मार पाए, मौके पे उनका जो कि डिसएडवांटेज हो गया, बट फिर भी BI की टीम ऑलरेडी दोनों मैच में सेकंड पोजीशन निकाली है, तो ये कहीं ना कहीं एक उनको मोटिवेट कर सकता है नेक्स्ट वाले मैच के लिए। तो यस, ये एक अच्छी फाइट आपको दिला सकते हैं, अच्छी खासी उनको होल्डिंग देखने को मिल सकती है। देखते हैं फाइनल, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में कैसा यहां पर BI की तरफ से सिचुएशन बनता है। और दूसरी ओर देखें तो बहुत सारी स्क्वाड ऐसी थी कि जोन के बाहर अटके हुए थे, और जोन के बाहर का जो कि नुकसान हो गया था उनकी स्क्वाड की तरफ से, बट फिर भी लेट्स होप कि अभी टीम की तरफ से एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने मिले। आयरन की स्क्वाड की तरफ से भी कहीं ना कहीं एक अच्छे किल्स है, और अच्छे किल्स की बात करें तो टीम यूडी इज लाइक अ लवली टीम वर्क जो कि आज के टॉप किल्स के साथ में टीम यूडी खेल रही है। भले पोजीशन नहीं निकाला है, बट पॉइंट्स के मामले में 12 पॉइंट्स अपने जो कि खाते में खोल चुके हैं, अपने खाते में डाल चुके हैं, तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं यूडी की स्क्वाड की तरफ से काफी बढ़िया लगी है। तो लेट्स सी, देखते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल टीम्स। फाइनल मैच है, और डेडेक्सी स्क्वाड को भी एक अच्छा किल फीड मिल चुका है। डेडेक्सी पास में एक अच्छी होल्डिंग थी, एक अच्छा खासा मौका था, तो उसका फायदा यहां पे डायरेक्ट उठा सकता था, बट डायरेक्ट के पास में बूट कैंप के एरिया से जो के जोन चला गया, वो चीज काफी नुकसानदायक रही डायरेक्ट से लिए, बट कोई मसला नहीं है। चलो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे इन ट्यून, और आप लोग एंजॉय करो, गाना सुनो।
चलो गाने को पॉज करते हैं, गेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वेलकम टू द स्ट्रीम अगेन, आप सभी का स्वागत करते हैं। फाइनल मैच आज का यहाँ पर देखने मिलेगा। मिरामार का मैप है, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मिरामार के इस मैप में जो देखने का मजा है वो कहीं नहीं है। ऑलरेडी आप देख सकते हो टीम आ चुकी है, और लास्ट मैच में आपने देखा था कि हमारे जो कि स्क्वाड के तरफ से, बीआई के तरफ से एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली थी, और कहीं ना कहीं मौके का फ़ायदा उठा लिया था एफटीडी की स्क्वाड ने। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, बट एफटीडी की तरफ से टीम वर्क भी काफ़ी अच्छी रही, वो चीज़ पर मैं एक अप्रिसिएशन देना चाहूँगा एफटीडी को। बट बीआई की तरफ से एक मौके का फ़ायदा था वो थोड़ा सा हाथ से चूक गया, बट या फिर भी आ चुके हैं गेम के अंदर। वेलकम टू द स्ट्रीम अगेन, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे बीआई हंट में। और फाइनल मैच है हमारे क्वार्टर फाइनल्स का और क्वालिफायर्स का, एक्चुअली क्वालिफायर्स आप बोल सकते हो, क्वालिफायर्स का, क्वार्टर फाइनल्स का, ये फाइनल ये चल रहा है। तो देखते हैं अभी कौन कौन सी टीम की तरफ से कैसी परफॉर्मेंस रहती है, और जो बड़ी बड़ी टीम्स है वो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में आपको देखने मिलने वाली है। और तो प्लीज़ यहाँ पर कोई भी लिख रहा है क्लिक बेट है, ये है वो है, तो भाई यार तुम चैनल तो देखो किसका चैनल है और कौन है यहाँ पर क्लिक बेट क्यों करेगा भाई, वो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। और फाइनल्स में आपको देखने मिलेगा जोनाथन नहीं है, बट सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में ये सारी टीम्स आपको देखने मिलने वाली है। फ्लाइट पाथ की बात करें तो फ्लाइट पाथ देखा जाए तो लॉस इंकोस के ऊपर वाले एरिया से देखा जाए तो काफी नीचे के एरिया से फ्लाइट जाती हुई नजर आ रही है, और ट्रेलर पार्क के तरफ यहाँ पे अपना एक जो के फ्लाइट जाने की ये करना चाहते हैं। बट देखते हैं अभी टीम्स कहाँ कहाँ पे उतरती है। ज्यादातर टीम्स के चांसेस लॉस लियोनिस है, पिकार्डो है, पावर ग्रिड है, सन मार्टिन है, ग्रेवयार्ड है, मिना जनर से ला बेंदिता है, तो ये सारे एरियाज पे जा सकते हैं। हॉट ड्रॉप की बात करें तो पिकार्डो इज अ लवली हॉट ड्रॉप, सन मार्टिन इज अ लवली हॉट ड्रॉप, हसियांदा दल पेत्रोनो भी एक अच्छा एरियाज है। लॉस लियोनिस पे दो स्क्वाड आराम से फाइट एंगेज कर सकती है और आराम से खेल सकती है। पिकार्डो का एक ऐसा एरिया से कि यहाँ पे दो से तीन टीम्स उतरती है, बट फाइट के मामले में बात करें तो एक या फिर दो प्लेयर्स यहाँ पर ऐसे वाइप आउट होते हैं, पूरी की पूरी स्क्वाड जल्दी से वाइप आउट नहीं होती, एक से दो प्लेयर्स कहीं ना कहीं वाइप आउट देखने मिलती है, तो आधी अधूरी टीम्स वहाँ पे हो जाती है। जो टीम चार चार के हिस्से में बढ़ जाती है वो चीज यहाँ पर जो कि पिकार्डो के एरियाज की वजह से दो दो तीन तीन में हो जाती है, तो वो काफी प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। देखते हैं अभी जोन कहाँ पे बनता है। एक्चुअली जोन की बात करें तो यहाँ पे हसियांदा दल पेत्रोनो पिकार्डो ये वाले एरियाज पे कहीं कहीं आना तो चाहिए मेरे हिसाब से, लाबेंदिता लॉस लियोनिस और ये एरियाज पे ही जोन आ सकता है। बट लेट्स सी, देखते हैं कैसी जोन बनती है, कौन कौन सी टीम की तरफ से फाइट एंगेज होती है और कौन कौन सी टीम कहां पे रोटेशन करती है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। गुल्ली बॉय, गुल्ली बॉय यहां पर गुल्ली बॉय रुइंस की तरफ जाना चाहते हैं मेरे हिसाब से। रॉयल की स्क्वाड भी एल पोजो जा सकती थी, बट एल पोजो जाना नहीं चाहते, और देखा जाए तो पिकाड़ो का एरिया फर्स्ट टाइम में देख रहा हूं यहां पे क्लियर कट देखने मिल रहा है, और देखा जाए तो वेले देल मार के तरफ कहीं ना कहीं एफएफके की स्क्वाड यहाँ पर जा रही है, तीन तीन टीम्स एक दूसरे के साथ में उतर रही है, तो ये फाइट बढ़िया सी आपको देखने मिल सकती है। और लेके जाता हूँ आई नाइन के हमारे टीम के पास में, तो आई नाइन की तरफ से एगाम कर रहे और का और आर के हमारे कैसेट यहाँ पर दिखाई दे रही है, ए बी के साथ में रॉक है, तो कहीं ना कहीं एगाम एज अ लवली प्लेयर और आई नाइन की स्क्वाड आई नो यार आई हैव ट्रस्ट ऑन दैम, एक अच्छी टीम्स के हिसाब से जानी जाती है आई नाइन की स्क्वाड। बट देते हैं फाइट एंगेज होती है या नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पर तीन टीम्स एक दूसरे के करीब करीब आ चुके हैं, लूट भी यहाँ पर जल्दी से फोकस करेंगे। आई नाइन की तरफ से लूट की शुरुआत हो चुकी है, इवन हमारे जो कि दूसरी स्क्वाड है उनके तरफ से भी लूट की शुरुआत हो चुकी है, क्लायरो की स्क्वाड है। ये देखा जाए तो रस्ते से यहाँ पर बाबा गेमिंग सीधा सीधा रोटेट मार रहे हैं, तो ये सीधी रोटेशन आप देख सकते हो एक जो कि काफी नुकसानदायक बन सकती है हमारी एफएफके की स्क्वाड के लिए। एफएफके की स्क्वाड लास्ट मैच में जो कि पूरी वाइप आउट हो चुकी थी, और दूसरी देर देखा जाए तो फाइट एंगेज हो चुकी है और अपनी प्रेडिक्शन काफी रॉन्ग हो गई है ड्रॉप के हिसाब से, जोन के हिसाब से जोन गया है नीचे के एरिया पे, और ये चीज काफी गंभीर बन चुकी है। एनआरएक्स एनएक्सआर के हमारे अभी जो कि गेम के बाहर निकल चुकी है, और यहाँ पे माफिया की तरफ से एक बैकअप प्रोवाइड करना चाहता, माफिया ने डाली नेड और नेड के साथ में गौरव को एक डैमेज होगा नहीं होगा, गौरव को कोई भी डैमेज यहाँ पर प्रोवाइड नहीं होगा, बट माफिया एक अच्छी डैमेज के साथ में आपको देखने मिल सकता है। तो माफिया इज लाइक बचे हुए है, काफी लकी निकले हमारे माफिया, बसते बसते यहाँ पर खेलेंगे। लेट्स सी, देखते हैं अभी माफिया की तरफ से और कैसी क्या सिचुएशन बनती है। यस, विन 94 के साथ में माफिया को एक अच्छा शॉट कनेक्ट किया, माफिया यहां पर डाउन हो चुके हैं, क्या ओमकार यहां पर जो कि माफिया को बचाने के लिए जाएंगे, गॉड ओपी बचाने के लिए जाएंगे, नहीं जाएंगे मेरे हिसाब से तो नहीं जाएंगे। और दूसरी बार देखें तो डायरेक्ट स्क्वाड की कहीं ना कहीं फाइट एंगेज हो चुकी है हमारे आईएबीए के बीच में, और यस क्लोजिंग की बात हो जाए तो मजा आ जाएगा, अगर क्लोजिंग आ जाए तो बहुत ही मजा आ जाए। बनी की तरफ से है, बनी तो काफी क्लोज में ही है,
बढ़िया देखते हैं, नेड अगर हो जाए बनी की तरफ से मजा ही कुछ अलग आ जाए। बनी इस लाइक मॉली करने की कोशिश करना चाहते हैं, उनके हाथ में मॉली तो है बट एक परफेक्शन का वे, एक परफेक्शन ढूंढ रहे कि उनके तरफ से एक परफेक्शन मिल जाए कि कहाँ पे प्लेयर है, तो उनके ऊपर मॉली डाल सकते हैं, मॉली के साथ में उनको वाइपआउट दिला सकते हैं। तो दो तीन मॉली, अगर मॉली यहाँ पे अगर अच्छी खासी कनेक्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं गेम से बाहर जा सकते हैं। दूसरी ओर देखें तो बॉट्स के भी जो कि हमारे वैग वाइटी जो कि डाउन टू अर्थ है, उनको रिवाइव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये ओपन एरियाज में है, कहीं ना कहीं एक अच्छी शॉट की दरकार है, एक बढ़िया सी शॉट अगर हमारे वैग के ऊपर कनेक्ट हो जाती है तो वैग यहाँ पे गेम से बाहर जा सकते हैं। उनको बचाने के लिए देखा जाए तो काफी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। वैग इस लाइक एक अच्छी पोजीशन पे तो है, वैग को कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कॉर्नर पे आ जाए तो वैग यहाँ पे बच सकते हैं बट नहीं, वैग के बचने के चांसेस काफी कम है। और देखा जाए तो इंटेंस के ऊपर शॉट करने कर रहे हैं, इंटेंस यहाँ पर बचाने की कोशिश करने चाह रहे थे बट इंटेंस के ऊपर ही शॉट कनेक्ट हो गया और इंटेंस ही डाउन होते होते बच चुके हैं। टीएनएस की तरफ से एक किल कन्फर्मेशन हो चुका है, ब्रूटल की तरफ से वो किल कन्फर्मेशन करा गया है। और देखा जाए तो लेवल टू का बैग के साथ में लेवल टू का हेलमेट है और लेवल टू का वेस्ट, एक लूट की अच्छी जो कि दरकार है उनके पास में। वो फाइट के हिसाब से पर थोड़ी सी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। फर्स्ट वाला जोन क्लोजिंग के लिए 2 मिनट का टाइम है तो इट विल टेक सम टाइम, बट यार भले टाइम लगे पर थोड़ा सा एक अच्छी होल्ड मिल जाए, पोजीशन पकड़ ले तो बस हो जाए और कुछ ना चाहिए। यहां पर देखा जाए तो क्लायरो के स्क्वाड के पास थोड़ा सा विजन आउट करवाते हैं, क्लायरो के स्क्वाड देख सकते हो हमारे कौन से प्लेस पे, क्लायरो के स्क्वाड, क्लायरो के स्क्वाड की बात करें तो मिनास दल वेले की तरफ है, क्लायरो के रैम्प फायर एक अकेला प्लेयर जो कि फ्लैंकिंग पोजीशन पे है तो ये चीज काफी मुसीबत वाली बन सकती है। ये चीज जो उन्होंने करी है ये चीज काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है टीम क्लायरो के लिए, एक प्लेयर भी डाउन हो जाता है तो टीम के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं उनको एक बैकअप जो कि मिल नहीं पाता है। दूसरी ओर देखें तो एफएफक्यू की स्क्वाड भी बहुत क्लोज है I9 की टीम के साथ में, मेरे हिसाब से I9 की स्क्वाड ही है ना यहाँ पर टीम किधर गई, यस I9 की स्क्वाड के साथ में काफी क्लोज है तो ये दोनों के बीच में भी फाइट एंगेज हो सकती है। बट या दोनों के बीच में अगर टीम वर्क एक बढ़िया सी देखने मिले तो फाइट एक अच्छी आपको देखने मिल सकती है। आज डे 4 है ना, कौन सा डे 4 है, स्काई गेमिंग किसका डे 4? NXR की टीम का भी थोड़ा सा विजन करवाते हैं, NXR की टीम की भी बात करें तो गॉड ओपी इज लाइक फिलहाल यहाँ पर प्राउंड पोजीशन पे, उनकी स्क्वाड के माफिया और अभी गेम से बाहर निकल चुके हैं तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर अगर रश आ जाए तो मुझे लगता है कि NXR की स्क्वाड गेम से बाहर जा सकती है। टीम UD जो कि लास्ट मैच में काफ़ी अच्छे किल्स के साथ में खेल रहे थे, कहीं ना कहीं 12 किल्स यहाँ पर कन्फर्म किए थे उन लोगों ने बट ये वाले मैप में देखते कितने किल्स कन्फर्म करते, क्या चिकन डिनर निकाल पाते, ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटी मुझे मेरे हिसाब से कम हो सकती है बट लेट्स सी देखते हैं कि कैसी होल्डिंग बनती है और कैसी फाइट एंगेज होती है। दोनों भी स्क्वाड के तरफ से देखा जाए तो एक होल्डिंग पोजीशन आपको देखने मिल रही है, यूडी के सिनिस्टर एक बैकस्टेप एरियाज पे है तो उनके तरफ से कहीं ना कहीं एक फ्लैंकिंग पोजीशन आप बोल सकते हो कि फ्लैंकिंग पोजीशन पे यहां पे बैठे हुए पीछे के एरियाज पे अगर NXR की स्क्वाड जाए तो सिनिस्टर की तरफ से एक अच्छी शॉट आपको देखने मिल सकती है। और सामने की तरफ देखा जाए तो यूडी के हमारे सिनिस्टर जो कि सेकंड सिनिस्टर है वो फ्रंट एंड एरियाज पे आपको देखने मिल सकता है, छपरी भी है साथ में और गौरव भी है साथ में, ये मजा तो आपको देखने मिलने वाला है। तो ये देखा जाए फाइट वाला सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होने वाला है, मेरे हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा शॉट कनेक्ट किया था ओमकार को, ओमकार इज लाइक फिलहाल यहाँ पर डाउन होते होते बच गए, ओमकार बचे हुए हैं यहाँ पर फॉर मेडिकेट अप्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या होता है ओमकार की तरफ से, एक अच्छी खासी फाइट एंगेज होने वाली या नहीं होने वाली, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। यूडी की स्क्वाड के पास में एक मौका है, मौके का फायदा यहाँ पर जरूर से ले सकते हैं, यस यहाँ पे मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, क्लोजिंग कर चुके। दूसरी ओर देखा जाए तो क्लायरो के हमारे फायर भी एक अच्छी खासी फायरिंग करे की आयरन के प्ले को डाउन तो कर चुके हैं, ओमकार यहाँ पर देख रहे हो मेडिकेट अप्लाई कर रहे हैं, मेडिकेट यहाँ पे ऑलरेडी एक अप्लाई कर चुके हैं, उनके ऊपर आ चुका है रश, रश के साथ में यहाँ पर डाउन करने की कोशिश करना चाहते हैं। क्या लगता है यहाँ पे वन वर्सेस का सामना करना मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी काफी कम हो चुकी है और देखा जाए तो रिवाइव पे फोकस कर रहे हैं, M16 चलाने की चाहत और अपना पोजीशन रिवील कर चुके हैं, रश कर दिया गया रश के साथ एक को डाउन, दूसरे को डाउन करने में यहाँ पर जो कि नुकसान हो गया, एक अच्छा डैमेज प्रोवाइड किया बट गौरव की तरफ से 3 किल कंफर्म हो चुके हैं। गौरव ने यहाँ पर पूरी स्क्वाड का स्लैमिंग कर दिया और 3 किल कंफर्म कर चुके हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए सिनिस्टर की तरफ से 1 किल कंफर्म हुआ है। दूसरी ओर देखे तो आयरन की स्क्वाड का भी रॉक यहाँ पर डाउन दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं, ब्लीडिंग होते हुए नजर आ रहे हैं और देखा जाए तो फायर के ऊपर एक शॉट कनेक्ट हो सकती है, एक अच्छी खासी फायर को डाउन करने की चाहते, 1 2 3 कनेक्ट किया फायर को, एक अच्छा डैमेज प्रोवाइड किया और फायर इज लाइक मैं फर्स्ट एड अप्लाई करेंगे और होल्ड पोजीशन पे है।
आज स्काउट खेल रहा है क्या? फाइनल्स में आएगा स्काउट? फाइनल्स में आएगा ब्रदर, स्काउट फाइनल्स या तो फिर सेमीफाइनल्स में आएगा। बड़ी बड़ी टीम्स आपको फाइनल्स में देखने मिलेगी, सेमीफाइनल्स या फिर फाइनल्स में मिलेगी। आई थिंक सो सेमीफाइनल्स में आई चाहिए, बिकॉज यहाँ पे टूर्नामेंट काफी बड़ा है, तो सेमीफाइनल्स भी खेलना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है बड़ी बड़ी टीम्स को, तो सेमीफाइनल्स में भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं मेरे हिसाब से। बट सेमीफाइनल्स में आएगी या फाइनल्स में आएगी वो कन्फर्मेशन आपको मैं बता दूंगा। ओके, सो टेंशन मत लेना, अभी तो फिलहाल जो कि क्वालिफायर चल रहे हैं सेमीफाइनल्स और फाइनल्स आएगा तभी के टाइम पे आपको, क्वार्टर फाइनल्स ही चल रहा है तो सेमीफाइनल आएगा तभी बता देंगे। ड्रॉप आ चुका है, ड्रॉप के अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है, ड्रॉप के अंदर की थोड़ी सी विजन करवाते हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है ड्रॉप दिखाने के लिए। और यहाँ पे ड्रॉप के अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है, ड्रॉप के अंदर ईडब्ल्यूएम के साथ में सप्रेसर यार का लवद्री का सामान है और काफी बढ़िया लूट आपको देखने मिल सकती है। और कहीं ना कहीं क्लायरों के बीच में यहाँ पर बीआई की फाइट एंगेज होने वाली थी, बट ऐसा बीआई की तरफ से टू मैन स्क्वाड थ्री मैन स्क्वाड खेलेंगे ड्रैकुला के साथ में, बीआई ए से बीआई बीएम यहाँ पर दिखाई देंगे, जीरो किल यहाँ पर उनके पास में है। लेट्स सी देखते हैं कितनी अच्छी फाइट यहाँ पर उनके तरफ से देखने मिलती है। मेरे हिसाब से बीआई फाइट अभी एंगेज करेगा नहीं, फर्स्ट वाला जोन क्लोजिंग पे, सेकंड वाला जोन देखते हैं कहाँ पे बनाता है। मेरे हिसाब से सेकंड वाला जोन जो कि बीआई के पास में ही बनेगा, मेरे हिसाब से यहाँ पर बीआई की तरफ ही बना सकता है। लोगों के एक प्ले का तो वाइप आउट दे चुके हैं, लोगों के कहाँ से शॉट कनेक्ट हुआ आई डोंट नो, लोगों के स्क्वाड कहीं ना कहीं एक प्ले को डाउन कर चुके, दो किल कंफर्मेशन लिए है, किसकी स्क्वाड को वाइप आउट किया वो थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है। और लोगों के दो प्लेयर्स वाइप आउट हो चुके हैं देख सकते हो, जो कि डार्क मून लोगों के बचे हुए, और ये टीम 98 के प्लेयर्स है, लोगों के दो प्लेयर्स वाइप आउट हो चुके हैं जो कि हमारे 98 के की तरफ से यहाँ पे किल कंफर्मेशन रही है। मून अकेला प्लेयर बचा हुआ है, मून के ऊपर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो टीम एस के पास में भी थोड़ा सा विजन करवाते हैं, बिकॉज टीम एस इज ऑल्सो लवली टीम, बट टीम एस मुझे कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही जोन के बाहर के एरियाज पे, टीम एस के तरफ से लूट होती हुई नजर आ रही है। टीम एस के Y90 देख सकते हो, प्रीत देख सकते हो, B1 है, राज है, तो इनके तरफ से कहीं ना कहीं जोन के बाहर का एरियाज है, जोन के अंदर पहुंचना है। फर्स्ट वाला जोन अभी भी क्लोज हो रहा है, सेकंड वाले जोन की तैयारी, सेकंड वाला जोन कहां पे बनेगा ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जो कि मुझे दिखाई देने वाला है, बट फिर भी मौके का फायदा सारी की सारी स्क्वाड जरूर से उठाएगी। दूसरी ओर देखें तो हमारे हाइप की टीम भी गाड़ी के रोटेशन के साथ में जोन के अंदर पहुंचना चाहती है। टीएसएम है क्या ब्रो? टीएसएम फाइनल्स में आएगी, धीरज सिंह मेरे भाई फाइनल्स में आपको मिलेगी टीएसएम, अभी तो फिलहाल ये क्वार्टर फाइनल्स चल रहे हैं, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स आएगा, तो सेमीफाइनल्स में भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है आपके। कास्टर लिंक स्मार्ट वुल्फ है, थैंक यू सो मच यार अजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय भाई थैंक यू सो मच। गाइस जिसको भी अगर अच्छी लगे कास्टिंग, तो हमारे जो कि मैं भी कास्टर हूं और हमारे क्रेजी भी ही थी, बट क्रेजी का एक जो कि लाइट चले गया तो उसकी वजह से क्रेजी अवेलेबल नहीं है, तो आपको जरूर से चेकआउट करना चाहो तो जरूर से चेकआउट कर सकते हो हमारा बिग चैनल। और प्लीज आर्थुर भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ यार, 100 के से 200 के 400 के 500 के पहुंचना है, मेहनत बहुत ज्यादा लगती है दोस्त। ओके एफटीजी राजा बीटीसी इज लाइक, अभी फिलहाल मिनी 14 चलाएंगे, देखा जाए तो लेवल 2 का फैक के साथ में लेवल 2 का हेलमेट है, लेवल 3 का वेस्ट है, और कहीं ना कहीं सैटन यहाँ पर जो के पोजीशन पे थे, बट स्मोक के वजह से यहाँ पर उनको विजन नहीं मिला गया, वो चीज मुझे अच्छी लगी कि सैटन यहाँ पे बचे हुए हैं। दोनों के बीच में फाइट एंगेज होने वाली है और कहीं ना कहीं राजा बीटीसी रैंडम शॉट्स कनेक्ट कर रहे स्मोक के अंदर, तो वो चीज कहीं ना कहीं नाकामयाबी यहाँ पे दिला सकता है राजा को। ओके सो लियो की स्क्वाड के एएस जो के व्हीकल के साथ में आए हुए और यहाँ पर M24 का जो शॉट कनेक्ट करा गया है वो काफी बढ़िया रहा है, एक अच्छी खासी शॉट की दरकार थी और वो शॉट यहाँ पर कनेक्ट करा गया था M24 के साथ में, और कहीं ना कहीं यहाँ पर विनोद के तरफ से वो शॉट कनेक्ट करा गया था। सो देखते हैं दोनों के बीच फाइट एंगेज होती है या नहीं होती है। सेकंड वाला जोन आ चुका है, नीचे के एरियाज पे देखा जाए तो लॉस इंगोस वाला एरियाज है, ड्रॉप भी आ चुका है, तो ड्रॉप के अंदर देखते हैं फ्लैट ड्रॉप है, MK14 मिलना चाहिए इसके अंदर, MK14 और AUG के अलावा यहाँ पर दूसरी लूट मिलेगा तो मजा नहीं आएगा। और यहाँ पर देख सकते हो जो कि ड्रॉप के अंदर थोड़ा सा मैं सक्षम करता हूँ, यस MK14 के साथ में M249 है, काफी अच्छी लूट है, लेवल 3 का सामान भी है, हेलमेट वेस्ट भी लेवल 3 का आ चुका है, क्लोजिंग होने वाली दोनों की स्क्वाड के तरह से मजेदार फाइट देखने मिलने वाली है। दोनों भी टीम्स के बीच में क्लोजिंग हो चुके हैं, FTD की स्क्वाड यहाँ पर आ चुके हैं लियो के साथ में, लियो के ऑलरेडी एक प्ले को डाउन कर चुके, चेरी की तरफ से यहाँ पर बैरल का शॉट होते हुए नजर आ रहे, बट चेरी यहाँ पे नॉकडाउन के पोजीशन पे है, लियो एएस इज लाइक बैरल चलाएंगे, बैरल इज अ लवली गन, एक क्लोज रेंज फाइट में एक दरकार होती है, एक अच्छी खासी डैमेज प्रोवाइड करना
रहता है, 5 बुलेट एक अच्छी तरीके से आप कनेक्ट कर दो तो यहाँ पे लेवल 3 का वेस्ट डैमेज हो जाता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी एडवांटेज दिला सकता है। बैरल इज अ लवली गन आ चुके हैं स्क्वाड यहाँ पे क्लोजिंग करने के लिए। एएस के तरफ से एक होल्डिंग माहौल है और एएस के ऊपर स्लैबिंग, दोनों के दोनों प्लेयर्स यहाँ पे क्लोजिंग कर चुके थे और दो प्लेयर्स थे एक दूसरे के साथ में और वॉके का फायदा एक्चुअली लियो के हमारे एएस ने उठा नहीं पाए। लियो के तरफ से सैटन बचे हुए हैं और विनोद बचे हुए हैं, बैंडेज सप्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं विनोद और सैटन यहाँ पे बूस्टर सप्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक नेड भी आ जाए तो ये दोनों के दोनों वाइपआउट के साथ में गेम से बाहर निकल सकते हैं। रश कर दिया गया है और कंट्रोल नहीं होता इनके तरफ से और कंट्रोल के साथ में टीम लियो यहाँ पर आज की गेम से बाहर निकल चुके हैं। 4 किल कंफर्मेशन एफटीडी की तरफ से आपको देखने मिल सकता है। मजा आ गया, बहुत ही मजेदार वाली फाइट यहाँ पर एंगेज हुई दोनों के स्क्वाड की तरफ से। क्लायरो के स्क्वाड मुझे लगता है कि यहाँ पर इनके तरफ से भी फाइट देखने को मिल सकती है। क्रेजी का चैनल का लिंक क्या है ब्रदर? ऊपर डाला गया है, आप चेकआउट कर सकते हो। दोनों भी कास्टर के चैनल का लिंक दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हो। और स्पैम नहीं करो रे ब्रदर। बिग शाउट आउट टू बेंटन। अरे रे रे, हेलो ब्रदर, कैसे हो, क्या हाल चाल चल रहे है? और जो भी चैनल पे आए हो सब्सक्राइब करते रहना है, पुराने हो तो लाइक शेयर करना है। डोंट ऑलवेज से यूज कहीं ना कहीं ब्रदर, वही तो वर्ड्स होते हैं, उसके अलावा दूसरा वर्ड नहीं होता। तुम जाओ कोई भी कास्टर्स को पूछो, वही तो वर्ड यूज करेंगे ही, उसके अलावा वर्ड्स नहीं होता है। इरिटेटिंग तो भाई हमको भी होता है अगर आप ऐसा वर्ड ऐसा बात करते रहते हो तो, फिर भी हम लोग मैनेज करते हैं ना। तुमको हमको भी इरिटेटिंग होता है समटाइम्स, पर फिर भी हम करते हैं, फिर क्या करेंगे। ओके, सो यहाँ पर I9 के रॉक को डाउन कर दिया गया है। BIA एक अच्छे पोजीशन पर पकड़ के रखे हुए, BIA के तरफ से 3 मैन स्क्वाड यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे, एक किल कंफर्म ले चुके हैं। और सामने की ओर देखा जाए I9 भी 3 मैन स्क्वाड हो चुके, तो 3v3 की फाइट यहाँ पर एक अच्छी एंगेज देखने को मिल सकती है। मजा आएगा, एक अच्छी खासी फाइट यहाँ पर देखने मिल सकती है। जोन तो क्लोज हो चुका है, सेकंड वाला जोन क्लोजिंग के लिए 24 seconds है। और दूसरी ओर देखे तो क्लायरो के फायर भी मुझे लगता है कि क्लोजिंग कर सकते हैं, तो ये अच्छी वाली फाइट यहाँ पर देखने वाली है। अकेला प्लेयर है तो फाइट तो नहीं, बट गेम से बाहर फायर जा सकते हैं। एक अच्छी शॉट की दरकार है फायर के ऊपर, ये शॉट अगर फायर के ऊपर कनेक्ट हो जाए तो फायर इज लाइक ऑन फायर, गेम के बाहर जा सकते हैं। उनकी स्क्वाड की तरफ से ऑलरेडी 4 मैन प्लेयर्स बचे हुए, चारों के चारों 4 मैन टीम्स यहाँ पर दिखाई देती हुई नजर आ रही। उनकी टीम की तरफ से 4 मैन स्क्वाड यहाँ पर देखने को मिल सकता है, बट फिर भी कैसे ना कैसे सेफ खेलना है, अपने स्क्वाड के पास में पहुंचना है, उस पर ही यहाँ पर फोकस करना है फिलहाल फायर को। बट फिर भी देखते हैं अभी उनके स्क्वाड के क्या हालचाल चल रहे, क्या टीम उनके साथ में एक दूसरे के साथ में बैकअप प्रोवाइड करते हुए दिखाई दे या नहीं। सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पर फ्लैंकिंग पोजीशन पे तो है, यस ये अपार्टमेंट में तीनों के तीनों प्लेयर्स एक दूसरे के साथ में है, तो ये चीज काफी बेहतरीन बन सकते हैं उनके लिए। ड्रॉप आ चुका है, ड्रॉप के अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है। ड्रॉप के अंदर की बात करें तो AUG के साथ में टेक्टिकल स्टॉक है, लेवल 3 का सामान है और काफी बढ़िया लूट यहाँ पर आपको देखने मिल सकती है। दूसरी ओर देखें तो डायरेक्सी टीम की यहाँ पर TM के साथ में फाइट देखने मिलने वाली है, तो ये चीज काफी मजेदार बनने वाली है। ये जो फाइट होने वाली है वो काफी मजेदार देखने को मिल सकती है, बट दोनों के बीच फाइट होने वाली नहीं लग रही है। यस दोस पीपल ज्यादातर फाइट पे फोकस नहीं करती, वो चीज मुझे काफी अच्छी लगती है कि डेडेक्स तरह से आपको जल्दी अर्ली फाइट आपको एंगेज होती हुई नजर नहीं आएगी। बट उनके पास शॉट करने किया, डेडेक्स ही हमारे पवन को डाउन कर रहा है। देखा जाए तो व्हीकल्स को यहाँ पर ब्लास्ट करने की कोशिश उनके तरफ से देखने को मिलने वाली है, बट व्हीकल्स को कोई भी डैमेज यहाँ पर मिला नहीं। थोड़ा सा डैमेज होगा बट व्हीकल्स यहाँ पर ब्लास्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे, बट फिर भी बस्ते बस्ते यहाँ पर खेलना पड़ेगा। चलो देखा जाए तो TM की स्क्वाड सिंगल सिंगल शॉट कनेक्ट तो कर रहे हैं, व्हीकल्स यहाँ पर डाउन होते वाले थे बट व्हीकल्स यहाँ पे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, व्हीकल्स यहाँ पे पूरी की पूरी ब्लास्ट नहीं हुई है। तो चलो अच्छा डैमेज तो हो गया रहेगा बट ब्लास्ट नहीं हुई है, तो संभल के कर रहा है हर एक स्टेप यहाँ पे, जो कि एक एक स्टेप का यहाँ पर फायदा उठाना है। डेडेक्स स्क्वाड यहाँ पर दोनों तरफ से गिरे हुए हैं और एक अच्छी खासी शॉट की दरकार, यहाँ पे कनेक्ट हुआ पनी के ऊपर शॉट, पनी यहाँ पे डाउन टू अर्थ, पनी को सर्वाइव करेंगे पवन क्या बैकअप प्रोवाइड करेंगे। पनी के ऊपर 2-3 शॉट जो कि परफेक्शन वाली कनेक्ट होने वाली थी, बॉडी जो कि डिफेंड करने के लिए अपनी बॉडी बीच में डाली, बट फिर भी यहाँ पर पनी को ही शॉट कनेक्ट हुआ, बट पवन बचे हुए, पेन किलर अप्लाई करते हुए नजर आ रहे पवन यहाँ पर। उनकी स्क्वाड 3 मैन स्क्वाड के साथ में खेलेगी और लेट्स सी। दूसरी ओर देखें तो एस की टीम, भाई काफी लाजवाब टीम है एस की स्क्वाड भी। एस के तरफ से कहीं ना कहीं एक चिकन डिनर निकला था, क्या सेकंड चिकन डिनर निकाल पाते हैं या नहीं, ये चीज मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो कि प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। देखा जाए तो जोन के एक एजिस पे यहाँ पर व्हीकल के साथ में रोटेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड वाला जोन अभी क्रिएट होने वाला है, थर्ड वाला जोन जाएगा कहाँ पे, थर्ड वाला जोन जाएगा चुमसेरा के तरफ। मुझे लगता है कि
यहाँ पर डेडेक्स को भी मिल सकता है और नीचे के एरियाज पे भी कहीं ना कहीं जा सकता है। तो ये वाले एरियाज पे कहीं ना कहीं जोन आपको देखने मिल सकता है और ज्यादातर जो आई एन की स्क्वाड की तरफ ही जोन जाएगा थर्ड वाला, तो ये चीज दिल वैले की तरफ आ चुका है। तो ये वाला जो मसेरा की तरफ जोन गया है, तो थोड़ी सी प्रिडिक्शन अपनी राइट रही है। जेडेक्स स्क्वाड को जोन का मिडल यहाँ पर देखने मिला है। तो जेडेक्स की तरफ से हमारे फ्लैग ओपी है, फ्लैग ओपी के साथ में राजू ओपी है, रितेश ओपी है और टीडीएम प्लेयर यहाँ पर सारे के सारे ओपी है। सिर्फ टीडीएम प्लेयर को छोड़ के मजा आ जाएगा। आप खेलोगे डे 1000 में मैं डाल दूंगा आपका अकाउंट में स्काउट राजवल। ये क्या बोल रहे हैं? कुछ भी भाई, आई एम बिग फैन। किसके बिग फैन? मेरे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मेरे भाई, थैंक यू सो मच मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। पहले इनको ब्रदर जिसको भी देखना है, स्काउट और जॉनी आप मालूम है आने वाले हैं, आएंगे अभी आई डोंट नो कभी आएंगे क्या है, स्काउट आने वाला है कि नहीं वो मुझे आइडिया नहीं है, बट जॉनाथन जो कि टीएसएम की स्क्वाड आ सकती है उसमें भी जॉनाथन आएगा या नहीं आएगा वो चीज़ थोड़ा सा है। नियो आ सकते हैं आई थिंक सो, या फिर हमारे जो कि हमारे गॉड क्या नाम है उसका, एस गॉड क्या नाम था उसका, नियो के साथ में और एक प्लेयर था जी गॉड या फिर कुछ समथिंग नाम था टीएसएम का हमारे, क्लच गॉड, यस क्लच गॉड इज दैट द गाय। तो क्लच गॉड भी आ सकते हैं, जॉनाथन आएगा या नहीं आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट फिर भी जो कि बड़ी टीम्स को बुलाने की है सेमीफाइनल्स और आपको फाइनल्स में देखने मिलेगा कौन कौन से प्लेयर्स आएंगे वो चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, बट आप जरूर से आना सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में बड़ी टीम्स आपको देखने मिलेगी। और दूसरी ओर देखें तो यहां पर फिलहाल फ्रैग जो कि फिलहाल बचे हुए, फ्रैग के साथ में हमारे स्पर्श बचे हुए हैं, गुली बॉय के साथ में सेमी गेम से बाहर निकल चुके हैं, वाइप आउट हो चुका है और इनके ऊपर प्रेशर है। एक जोन तो उनके हाथ में नहीं है और जोन भी क्लोजिंग पे होने वाला है 39 सेकंड से थर्ड वाले जोन को क्लोज होने के लिए, फोर्थ वाले जोन की तैयारी। तो एक अच्छी फाइट यहां पर एंगेज्ड होने वाली है, मेरे हिसाब से ये फाइट तो नहीं होगी बट इनके तरफ से आई ए बी ए की स्क्वाड यहां पर गेम से बाहर जा सकते हैं, 1ABA की स्क्वाड यहां पर गेम के बाहर जा सकते हैं। विनोद की तरफ से एक फ्लैंकिंग पोजीशन और देखा जाए तो बड़े अच्छे ड्राइविंग स्किल्स यहां पर विनोद की तरफ से देखने मिल रही है, बट ये ड्राइविंग स्किल्स इतनी कामयाबी नहीं दिलाएगा, बट फिर भी रोटेशन के साथ में थोड़ा सा जोन के अंदर रहे तो एक अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है चिकन डिनर निकालने के लिए। मेरे हिसाब से ये जो फ्लैंकिंग पोजीशन कर रहे हैं वो चीज इनको यहाँ पर नुकसान भी दिला सकता है। फ्लैंकिंग का एक अच्छी चीज भी होती है और एक बुरी चीज भी होती है। अच्छी चीज की ये है कि आप एक स्क्वाड को वाइप आउट करा सकते हैं, बट बुरी चीज ये है आप डाउन हो गए तो क्या करोगे, आपके पास में आपकी स्क्वाड भी अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज मुझे मेरे हिसाब से काफी मुसीबत की घड़ी बन सकती है हमारे फ्लैंकर्स के लिए। देखा जाए तो एक अच्छी विजन मिली थी हमारे विनोद को, बढ़िया। क्या यहाँ पे शॉट कनेक्ट करेंगे विनोद, वो चीज थोड़ा सा हेडशॉट, दो शॉट दिया, बहुत ही बढ़िया शॉट कनेक्ट किया विनोद ने, दो शॉट जो चाहिए थे वो एक्चुअल में वहां पे कनेक्ट किया उन्होंने और यहां पर डाउन कर चुके हैं। क्या लगता है फ्रैग की तरफ से बैकअप मिलेगा, क्या विनोद क्लोजिंग करेंगे, ये चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कि प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। तो चलो लेके जाते हैं थोड़ा सा उनके ऊपर विजन करवाते हैं, क्या फ्रैग बैकअप प्रोवाइड करेंगे, क्या फ्रैग, यहां पर फ्रैग ने स्मोक डाला, देखा जाए तो विजन ब्लॉक करे दोनों तरफ से और फ्रैग आ चुके हैं क्लोज पे, स्पर्श को बचाने की कोशिश और स्पर्श यहां पर ब्लीडिंग होते हुए नजर आ रहे हैं और स्पर्श को यहां पर रिवाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। स्मार्ट वुल्फ आपके चैनल पर स्ट्रीम नहीं हो रही है ब्रो, आपके चैनल पर स्ट्रीम नहीं हो रही है, मैंने सबेरी तो कर दिया स्ट्रीम मेरे चैनल पे, मेरे स्ट्रीम मतलब कौन सी स्ट्रीम बोल रहे हो रे ब्रो, कौन सी स्ट्रीम। ओपी कास्टर कीप इट अप, अरे सुपर भाई क्या तुम भी। INF गेम के बारे में क्या सोचते हैं आप इन फाइनल्स? ब्रदर देखते हैं अभी कैसा क्या फाइट होता है सभी टीम्स की तरफ से, फाइट पे डिपेंड करता है पूरा, बाकी तो डिपेंड नहीं करेगा। लेके जाते हैं थोड़ा सा बाबा गेमिंग के पास में, FFK की स्क्वाड है जो कि लास्ट जो कि मैच था उसमें स्टार्टिंग में ही वाइप आउट हुए थे, बट ये वाले मैप में वो लोग एक अच्छी टैक्टिक्स अपना रहे हैं और स्ट्रैटेजी जो चल रही है उनकी स्क्वाड की तरफ से मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी लगी कि जो 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 गलतियां करी थी लास्ट मैच में वो गलतियां ये मैच में नहीं करना चाहते, बट यस यहाँ पर डाउन तो हो चुके हैं और गेम से बाहर सिल्की, एक प्लेयर का वाइप आउट, फोर्थ वाला जोन, 2 मिनट का टाइम है फिफ्थ वाले जोन के लिए, मेन मजा फिफ्थ वाले जोन से ही आएगा, फिफ्थ वाले जोन से एक अच्छी मजेदार वाली चलेगी। और फिर भी FFK को एक मौका था, मौके का चांस उठाना चाहते थे बट मौके का गलत इस्तेमाल यहाँ पर FFK की तरफ से हो चुका है। बाबा गेमिंग गेम से बाहर, सिल्की यहाँ पर गेम से बाहर, 2 प्लेयर्स अवेलेबल और बगी है उनके पास में रोटेशन के लिए। चार्ली को एक अच्छी खासी शॉट की दरकार रही थी और चार्ली को एक अच्छा डैमेज प्रोवाइड किया और कहीं ना कहीं चार्ली यहां पर डाउन हो सकते हैं और हो गए। एक अच्छी शॉट की दरकार थी, वो शॉट परफेक्शन के साथ में कनेक्ट करी गई और चार्ली यहां पर गेम से बाहर निकलने वाले। क्या चार्ली बच पाते? नहीं बच पाएंगे। स्क्रैम बचे हुए हैं, स्क्रैम भी यहां पे व्हीकल के साथ में रोटेशन करेंगे, वो थोड़ा जोन है, जब तक जोन हाथ में है तब तक गेम साथ में, जोन अभी हाथ में नहीं है उनके, बट क्या करेंगे। डायरेक्ट से हमारे पवन अकेला प्लेयर बचा हुआ है, टीम ने स्लैमिंग कर दी, अकेला प्लेयर कंटेनर के अंदर बैठा हुआ है।
अरे ये, अरे मेरे भाई ये स्ट्रीम चाचा के चैनल पे ही हो रहे ना। यस ब्रो यार, मेरे चैनल पे होती तो मेरे चैनल पे दिख के आता ना। हेलो स्मार्ट वर्ल्ड, शाउट आउट लॉस गेमिंग फैन पेज, बिग शाउट आउट टू यू ब्रदर, कैसे हो आफ्टर लॉन्ग टाइम। पवन के ऊपर जंप शॉट और ये पवन गेम से बाहर, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। पवन को तो गेम से बाहर कर चुके, एज की स्क्वाड के भी हालचाल काफी बेहाल चल रहे हैं। अकेला प्लेयर यहाँ पे बचा हुआ है जो कि मायूस सा हो चुका, रिवाइव पे फोकस कर रहा है और रिवाइव कर चुके। बहुत ही मुश्किल की घड़ी यहाँ पे सामने आई थी, बट मुश्किल की घड़ी का यहाँ पर जो कि बेतरीके से इस्तेमाल करना चाहते थे, बट नुकसान हो गया। Y9 या पर इसकी स्क्वाड गेम से बाहर जो के 15 पोजीशन पे आई हुई है। बॉट की स्क्वाड एक रोटेशन पे फोकस कर रही है और रोटेशन मेरे हिसाब से काफी बढ़िया यहाँ पर रही है। बट क्लायरो की स्क्वाड मौके का इंतजार लेना चाहेगी और मौके का फायदा जरूर से उठाना चाहेगी। जल्दी गाड़ी से उतार दिया एक प्लेयर को, दूसरे को भी उतारा, तीसरा किधर है? तीसरा यहाँ पर, वो भी बाजू में ही है, तीसरे भी वाइप आउट और पूरी की पूरी स्क्वाड यहाँ पर फिनिश आउट के साथ में गेम से बाहर निकल चुके हैं। रॉयल की स्क्वाड एक अच्छे खासे चुम्मच से रखे, देखा जाए तो जोन के एज पे बैठे हुए, जोन का एक वॉल बन के बैठे हुए है और ये वॉल पे देखते हैं कौन कौन सी टीम आती है लड़ने के लिए और वॉल को यहाँ पर तोड़ने के लिए। वॉल अगर टूट गई तो सीधा जोन आपके पास में है, वॉल अगर नहीं टूटी तो आप गेम से बाहर है, तो ये चीज पे थोड़ा सा फोकस करना है। 98K की स्क्वाड यहाँ पर देख सकते हो जोन के बाहर के एरिया पे, कहीं ना कहीं रॉयल के साथ में फाइट देखने मिलने वाली है, एंगेज होने वाली है, मौके का फायदा उठाएंगे। लकी के पास में M4 है और M4 के साथ में 4X है, 4X के साथ में शॉट कनेक्ट करेंगे, यानी एक प्लेयर को डाउन भी कर दिया जाए तो एक मजेदार वाली जो कि उनको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। रॉयल की स्क्वाड यहाँ पर देख सकते हो जो कि एक अच्छे अच्छे सारे के सारे फ्लैंक पोजिशन पे है, एक भी प्लेयर डाउन, कोई भी बैकअप नहीं, एक भी प्लेयर यहाँ पर डाउन होता है तो कोई भी बैकअप आपको देखने नहीं मिलेगा। दूसरी ओर देखा जाए तो ड्रैकुला भाई, BI के स्क्वाड के ड्रैकुला, हाइड्रा अल्फा को यहाँ पर डाउन कर चुके हैं। चलो देखते हैं फाइट अभी कैसी दोनों के बीच में चलती है। नेड का कमाल और फटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे BTS का धमाल और BTS यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। लकी यहाँ पे बैकअप प्रोवाइड करने के लिए, जो विकी सॉरी विकी बैकअप प्रोवाइड करने के लिए है, बट लकी जा रहे हैं क्लोजिंग और मुझे लगता है कि हमारे सपना और लकी के बीच में यहाँ पर जंग भिड़ने वाली है और ये जंग देखते हैं कौन सी जायज बनेगी। एक्चुअली सपना का विजन मिल तो रहा है, मेरे हिसाब से सपना मौके का फायदा उठाने की कोशिश जरूर से करेंगे और सपना ने यहाँ पे क्लोजिंग करने की जान, एक को डाउन किया, दूसरे को एक अच्छा खासा शॉट देना चाहेंगे और मेरे हिसाब से सपना के ऊपर रैंडम वाले शॉट्स आने वाले, बिनो को यहाँ पर डाउन करने की कोशिश। सपना एक्चुअली वो शॉट कनेक्ट कर दे तो वो डाउन हो सकता है, सपना वो शॉट अगर अच्छा वाला कनेक्ट कर दे तो डाउन हो सकता है। सपना ने अपना पोजीशन चेंज किया और यहाँ पर देखा जाए तो अल्लाह की अभी हीलिंग पे फोकस करेंगे। एक्चुअली स्क्वाड की तरफ से एक बैकअप चाहिए रहेगा, अगर बैकअप प्रोवाइड कर दिया तो यहाँ पर डाउन हो सकता है, बिनोद तो डाउन के साथ में है ही, बट देखते देखा जाए तो यहाँ पर नेट करने की कोशिश, रेंड वाला नेट डाला जा रहा है मैक्स की तरह से। आई डोंट नो व्हाट दिस पीपल वांट्स टू डू, सपना का अभी तक पोजीशन इनको रिवील नहीं हुआ है। एक प्लेयर को तो डाउन तो दे चुके हैं, अपना पोजीशन चेंज करते करते बैक साइड आ चुके हैं। टीम रॉयल वर्सेस टीम 98K, दोनों के बीच में फाइट एंगेज हो गई है बट एंगेज नहीं हो रही है, ऐसा हो रहा है, माहौल काफी गंभीर है, दोनों के बीच में काफी बड़ा वाला प्रेशर है। एक मिनट का टाइम है फिफ्थ वाला जोन क्लोजिंग के लिए, 12 टीम्स बची हुई है, 12 टीम्स वैसे कौन जीएगा कौन फाइट होगा ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर हमारे सामने देखने को मिल सकता है। नेट के साथ में एक परफेक्शन नेट की जो चाहत थी और वो चाहत सपना को यहां पर डाउन करवा देगा। दूसरी ओर देखें तो रॉयल की स्क्वाड के जो मेंबर्स हैं वो यहां पर कहीं ना कहीं एक जो के नुकसान के पोजीशन पे, दो प्लेयर वाइपर के साथ में, तीसरा प्लेयर वाइपर के साथ में। BTS अकेले एक मौका जो चाहिए रहता है वो मौके का इस्तेमाल 98K के टीम्स ने यहाँ पर दिखाया है, पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप आउट करके हुए यहाँ पर 10 किल लेके निकल चुके हैं, 10 किल निकाला है। I9 के AP भी गेम से बाहर निकल चुके हैं, जोन का मिडल TM की स्क्वाड के पास में और दूसरी ओर यहाँ पे देख सकते हो जो कि फाइट एक अच्छी देखने मिल सकती है। बिग फैन फॉर ऑल BI दिखाओ, यस BI को दिखाता हूँ, BI फैन एक काम का, बिग फैन एक काम का, I9 एक काम, यह एक काम वाइप आउट हो गया रे ब्रो। हेलो ब्रो अजय लॉज ओपी, या चलो TNS के टीम के पास ले गया था, TNS के हमारे रॉकी क्लोजिंग करेंगे। क्लायरो के बादशाह के ऊपर शॉट कनेक्ट करेंगे, बादशाह को डाउन किया और उनकी भी हेल्थ यहाँ पर डाउन हो चुकी है। सो हमारे राजा इज लाइक डाउन टू अर्थ है, बादशाह को बचा लिया जाएगा, लेट्स सी देखते हैं बादशाह क्या यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, क्या टीम उनको बैकअप प्रोवाइड कर पाती है। क्लायरो की स्क्वाड यहाँ पर डेफिनेटली एक अच्छी फाइट एंगेज करी, TNS की तरफ से काफी फ्लैंक है, ब्रूटल आ चुके हैं और बाजा यहाँ पर, राजा तो डाउन हो चुका है, ओके राजा तो बजा, राजा का ही बाजा बच चुका है और ये यहाँ पे फिनिश आउट दे चुके हैं। मौके का फायदा एक्चुअली TNS को उठाना चाहिए, TNS को एक मौके का फायदा उठाना चाहिए, बट TNS की तरफ से कोई टीम वर्क नहीं रही है, ये चीज पे थोड़ी सी मुझे लाइक गड़बड़ लगी है। जोन निकल चुका है, ZX स्क्वाड जोन के बाहर में है और INF की स्क्वाड भी जोन के बाहर के एरियाज पे, मॉली डाल दी है, मॉली के साथ में यहाँ पर ZX स्क्वाड को वाइपआउट करने की कोशिश करी जाएगी। यस वाइपआउट तो हो जाएगा, इनको अच्छा खासा डैमेज तो यहाँ पे देखने मिल चुका है। राजा भी गेम से बाहर, हमारे राजा ओपी, राजू ओपी, ये राजू है वो राजा है तो काफी अलग फर्क है।
तो टीएनएस की स्क्वाड भी कैसे ना कैसे बगी लेके आए हैं, बगी के साथ में एक पोजीशन होल्ड करके रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको हीलिंग पे ज्यादा फोकस करनी है। नेट डाल चुके हैं कायरोगॉड की तरफ से, एक अच्छी खासी स्प्रे जो कनेक्ट करी गई है इनके तरफ से, मजा आ गया। इतनी सी हेल्थ थी और उन्होंने मॉली करने की चाहत रखी, वो मॉली डाल रहे थे उससे पहले उन्होंने स्लैमिंग दिखा दिया, मजा आ गया। एक अच्छी फाइट यहाँ पर एंगेज हुई, ऊपर से विजन कर रहा था बिकॉज बहुत सारी स्क्वाड यहाँ पे हाई रीच है, डाउन ग्राउंड पे है, ये फाइट देखने को मिल सकती है, मजा आएगा। एक अच्छी खासी फाइट यहाँ पर देखने वाली है। नीचा गेम से बाहर क्लाइडो की तरफ से एक प्लेयर नॉकडाउन पोजीशन पे है, गायरो को एक बैकअप प्रोवाइड करा जाएगा, बाचा और फायर यहाँ पे जो क्या देखा जाए बचे हुए हैं। तो गायरो को यहाँ पे बैकअप तो प्रोवाइड कर चुके, गायरो इज लाइक फर्स्ट एड अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, बट गायरो को शॉट फिर से कनेक्ट हो चुका है, गायरो फिर से डाउन टू अर्थ 36 सेकंड से मैंने, उसके अंदर अगर रिवाइव नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं गेम से बाहर जाओगे। बीआई की स्क्वाड गाड़ी फट चुकी है, घटना कर चुके हैं और टीएम की स्क्वाड ने एक अच्छी स्लैमिंग दिखा दी और पूरे के पूरे वाइप आउट कर दिया। दूर से दर्शन दिया वहां से, लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर दर्शन करी गई है उनके तरफ और वाइप आउट हो चुका है। लास्ट की सिक्स टीम्स है, सिक्स टीम्स में से देखा जाए तो यहाँ पर कौन कौन सी टीम बची हुई है, ZX है, TNS है, टीम UD है, विनोद टीम 98 के है, 7N है, TM है। तो ये चीज थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, देखते हैं कौन सी टीम चिकन डिनर निकालती है। मेरे हिसाब से जोन का जो एरिया से 98K के पास में है तो ये चिकन डिनर उनके नाम पर बन सकता है। और दूसरी ओर देखें तो ZX के स्क्वाड के TDM प्लेयर यहाँ पर AKM का जो कि शिकार बन चुके हैं, और AKM का शिकार नहीं, यहाँ पर उनके तरफ पास में AKM थी और M4 का शिकार एक्चुअली बन चुके हैं। रितेश OP इज लाइक M4 चलाने की कोशिश करेंगे और अकेला प्लेयर उनके स्क्वाड की तरफ से TNS के ट्रैपिंग जोन के बाहर है। इनके पास में व्हीकल्स है, व्हीकल के साथ में मेरे हिसाब से रोटेशन पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। जोन का एरिया अभी भी देखा जाए तो हमारे 98K के पास में दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। आ चुके हैं सारे के सारे प्लेयर्स, तो ऊपर से विजन करवाता हूँ, ये अच्छी खासी फाइट देखने मिलने वाली है। पांच टीम से रॉकी और रितेश अकेले प्लेयर दोनों के साथ में फाइट एंगेज होने वाली है और रॉकी यहाँ पे गेम से बाहर। और देखा जाए तो एक्चुअली यहाँ पर जोन हमारे 98K के पास में ही है, बट उनकी फाइट यहाँ पर देखने मिलने वाली नहीं है, थर्ड पार्टी की फाइट TM और 7NA के पास में। तो ये गेम 98K का ही है, पूरा का पूरा गेम 98K का ही है। तो ये चीज पे थोड़ा सा फोकस अगर ध्यान से करें 98K के सारे के सारे प्लेयर्स, तो ये इजी चिकन डिनर आपको देखने को मिल सकता है। सेवन एन ए के स्लेयर यहाँ पर गेम से बाहर, 7NA की तरफ से हवेली बचे हुए है, साथ में हिट हिम्स यहाँ पर बचे हुए है और ये ऐसा अच्छी खासी शॉट कनेक्ट की है हिम्स ने, यहाँ पर हवेली की तरफ से नेड रहा है, हवेली ने वाइप आउट किया है, मजा आ गया। सो लास्ट की चार टीम्स है, चार टीम्स में से देखते हैं TM के, मुझे लगता है कि प्लेयर्स यहाँ पे गेम से बाहर जाने वाले हैं, बट 98K एक मौके का इंतजार करेगी, बट कहीं ना कहीं जो कि जोन उनके पास में, जब तक जोन हाथ में है तब तक गेम साथ में है, 30 सेकंड है, जब तक जोन मतलब 30 सेकंड ही है हमारे पास में जोन, उसके बाद में मेरे हिसाब से सारी की सारी स्क्वाड गेम से बाहर जाएगी। बट थर्ड पार्टी का शिकार नहीं बनना है 98K को, वो चीज़ पे थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है। विनोद यस नेड के साथ में नेमसिस एम्स यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, वाइप आउट भी करा गया है, अकेला प्लेयर हवेली, अकेला प्लेयर रितेश ZX की तरफ से, दो प्लेयर्स TM के तरफ से। यस यहाँ पर देखा जाए 98K के सारे प्लेयर्स स्प्लिट हो चुके हैं और ये मौके का इंतजार जरूर से करेंगे। स्मोक का एक वे क्रिएट किया गया है TM के तरफ से, लकी के तरफ से मुझे लगता है एक फाइट एंगेज हो जाए तो मजा आ जाए। जोन निकल चुका है, धीरे धीरे से जोन जाने की कोशिश 98K की स्क्वाड ही एक अलर्टनेस दिखाई देती हुई नजर आ रही है। रितेश के तरफ से स्मोक का एक वे क्रिएट हो चुका है और ये जब भी स्मोक बन जाता है तब भी के टाइम पे एक दो नेड अगर परफेक्शन की डाल दी जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर स्क्वाड गेम से बाहर जा सकती है। ओके सो टू लास्ट की दो टीम्स है, 2 vs 4 का सिचुएशन आ चुका है और व्हीकल के साथ में कितना अच्छा क्लोजिंग यहाँ पर दिखा चुके हैं TM के स्क्वाड, TM के नाइक एक अच्छी खासी डैमेज के साथ में यहाँ पर बैठे हुए, कहीं ना कहीं व्हीकल ब्लास्ट हो जाएगी तो नाइक यहाँ पर गेम से बाहर जा सकते हैं। नेड की दरकार, काफी अच्छी खासी डैमेज यहाँ पर नाइक हो चुका है बट मेडिकेट अप्लाई कर चुके हैं और दो पोस्टर उनके पास में अवेलेबल है। लकी के तरफ से शॉट कनेक्ट और मॉली भी डाल चुके हैं नाइक के ऊपर, नाइक के अपना पोजीशन रिवील कर चुके हैं और नाइक यहाँ पर गेम से बाहर जा सके, ट्रेड उठाने की कोई भी चाहत नहीं रही है 98K की तरफ से। नाइक को मौका है, 2 vs 3 का गेम यहाँ पर निकल सकता है, 2 vs 3 का गेम कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। विनोद सामने है 98K के, नाइक यहाँ पे गलत पोजीशन करते हुए नजर आ चुके हैं, नाइक यहाँ पे डाउन के साथ में, मार्शल अकेला बचा हुआ है, क्या ये मार्शल यहाँ पर सर्वाइव रिवाइव करने के लिए जाएगा या फिर जो कि फ्लाइंग करने के लिए जाएगा या फिर फाइट लेगा, एक्चुअली यहाँ पे डाउन करना चाहिए, एटलीस्ट एक किल कंफर्मेशन हो जाए तो मजा ही कुछ अलग आ जाए। विनोद को यहाँ पे डाउन करने का मौका है, विनोद को अगर डाउन कर दे तो मार्शल आज के हमारे जो के एक चांस हो सकता है, बस ये मौके का फायदा एक्चुअली मार्शल को उठाना चाहिए था। मार्शल
कोई भी मौके का फायदा नहीं उठाना चाहते। ऑलरेडी एक प्लेयर डाउन है तो ये चीज किल फिट पे देखना जरूरी चीज बन जाती है। किल फिट पे अगर आपको देखा जाए तो मजा ही अलग आ जाएगा, आप अच्छी स्लैमिंग कर सकते हो। बट अभी 4v1 का सिचुएशन काफी गंभीर है, जोन भी निकल चुका है, जोन के अंदर पहुंचना भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मार्शल ने रन वाला मॉली डाला हुआ है, अकेला प्लेयर बचा हुआ है, 1v1 का सामना करना थोड़ा सा डिफिकल्टीज का सामना हो सकता है। जोन निकल चुका है, जोन के बाहर अटक गया तो यू नो पूरे का पूरा लटक गया और जोन के बाहर अटकने वाला है। 4 फर्स्ट एड उनके पास में, फर्स्ट एड अप्लाई करेंगे, ऑलरेडी सेकंड पोजीशन हो चुकी है और पोजीशन निकालने की कोशिश इनकी तरफ से देखने को मिल रही है। लकी आ चुका है, लकी को पोजीशन रिवील हो चुका है, लकी की तरफ से शॉट चलेगा और आज की विनर विनर आ चुके हैं। हमारी स्क्वाड यहां पर बन चुके हैं 98 के की स्क्वाड, आज की विनर विनर चिकन डिनर बहुत ही बढ़िया किल्स यहां पर निकाले हुए 537 के साथ में। यहाँ पर देख सकते हो एक बढ़िया सी किल फिट आपको देखने को मिल सकती है। तो 7, 7, 14 और 15 किल के साथ में आज टीम 98 के यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। सेकंड पोजीशन पे टीएम की स्क्वाड है, मरियन है, मार्शल है, नाइक है, 413 के साथ में सेकंड पोजीशन पे। थर्ड पे देखा जाए तो 7NA की स्क्वाड है, रोहित है, स्लेयर है, हवेली है, हिम्स है, 3130 के साथ में थर्ड पोजीशन पे। तो एक बार ओपन द चार्ट फॉर दिस टीम और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना है, पुराने हो तो लाइक शेयर करना है। एंड डिस्कॉर्ड का लिंक अभी पिन जाता है, डिस्कॉर्ड का लिंक भी अगर आपको चाहिए तो डिस्कॉर्ड का लिंक भी मॉडरेटर्स दे देंगे, तो डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन करना है। और तुम्हारे भाई का चैनल और क्रेजी का चैनल अगर विजिट आउट करना है तो हमारे मॉडरेटर्स आपको हमारा दोनों का चैनल का लिंक डाल देंगे, तो इफ यू गाइस वांट टू चेक इट आउट तो आप चेकआउट कर सकते हो। सो देखा जाए तो ZXC स्क्वाड जो स्क्वाड की तरफ से फोर्थ पोजीशन रही है 6 किल के साथ में, DNS फिफ्थ पोजीशन पे है, उनकी तरफ से किल्स काफी बढ़िया है, 4, 2, 6 और 2 यहाँ पर 8 और 9 किल्स निकाले हैं। और 6 पोजीशन पे यूडी की स्क्वाड है 5 किल के साथ में, बीआई की स्क्वाड यहाँ पर 1, 2, 3 जो कि 6 किल्स निकाल चुके हैं 7 पोजीशन पे। बाकी क्लायरो की स्क्वाड की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 7 किल्स हो चुके हैं और 9 पोजीशन पे INF 0 पे चल रही है, हाइव की तरफ से 5 किल, 10th पे चल रही है, 11th पे INN की स्क्वाड 1 किल के साथ में, 12th पे हमारे रॉयल की स्क्वाड 0 पे चल रही है, 13 पे हमारे लोको की स्क्वाड 0 पे चल रही है, बॉट्स 14 पे 0 पे है, 15 पे हमारे एज 0 पे है, और फिर 16 पे FFK 0 पे है, 10X यहाँ पे 0 पे है, 18 पे हमारे FTD यहाँ पर जो कि 4 किल के साथ में है, I1APA 0 पे यहाँ पर 19 पे है, और टीम 20 पे हमारे लियो 0 पे चल रहे हैं, और 21 पे NXR 0 पे है। बहुत सारी स्क्वाड 0 पे है तो मतलब यहाँ पर जो टीम वर्क रही है वो चीज मेरे हिसाब से जो कि 98K के तरफ से रही है, 98K की स्क्वाड के तरफ से रही है। इवन यहाँ पे कहीं ना कहीं दूसरी स्क्वाड भी बात करें तो TNS के तरफ से रही है। काफी अच्छी किल्स की यहाँ पर सिचुएशन जो दरकार थी वो बनी थी, मजा आ गया, बहुत ही ओपी और इंटेंस वाली फाइट यहाँ पर देखने मिली है। तो आज का जो क्वार्टर फाइनल्स वाला मैच था वो यहीं पे समाप्त करते हैं, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग, अभी सेमीफाइनल्स और फाइनल्स कभी रहेगा तो वो देखेंगे, जानेंगे, बताएंगे आप सभी को। जो कि डिस्कॉर्ड पे आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर लो, आप सब सभी लोग मिल बांट के डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, डिस्कॉर्ड पे पाओ मौका और अच्छी खासी फाइट देखो फाइनल्स में, बिकॉज हमारी बड़ी बड़ी टीम्स आने वाले, तो एंजॉय जरूर से करना है आप सभी को। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून और बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी। अभी के लिए गुड नाइट, शाम को आर्थुर मिलेंगे आपको, तो आर्थुर के साथ में बातचीत जरूर से करना, जो कि हमारे पाकिस्तानी टूर्नामेंट चल रहा है। मैं तो आपको हाइड्रा में ही मिलूंगा, ज्यादातर आपको हाइड्रा पे ही दिखूंगा, और जो कि मॉर्निंग टाइम पे मैं अपने चैनल पे भी आपको अगर आना है तो आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। चलो बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।